नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने 3 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर L1 जो पेपर था उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सामने प्रश्न देख रहे हैं, निम्नांकित में से किस सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया है, या निम्नांकित में से किस सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया है। देखो यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों वो है सामाजिक रचनावाद, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है, वो लिखा है सामाजिक रचनावाद। और सामाजिक जो रचनावाद है उस पर चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है वाइगोत्स्की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, कुत्ता विद्युत शोक की मजबूरी को सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्त तो लीवर दबाना सीख लेता है, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, कबूतर भोजन प्राप्त तो कुंजी में से झांकना सीख लेता है। तो यहाँ शास्त्रीय अनुबंधन का जो उदाहरण है वो ये है कि कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। फिर आया कि फ्राइड के अनुसार कौन सी मूल प्रति की विशेषता नहीं है, यानी में से कौन सी मूल प्रति की विशेषता नहीं है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड बात हो रही है। तो देखो क्या लिखा है, स्रोत, सामान्य उत्तेजक पहलू, उद्देश्य और वस्तु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य जो उत्तेजक पहलू है वो फ्राइड के अकॉर्डिंग इसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर बात करें, अब्राहम मेस्लो के अनुसार दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति कितने प्रतिशत होती है, तो दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति 85% 85% तक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे, किस प्रकार के चिंतन का प्रयोग काव्य सर्जन में होता है, यानी कौन सा चिंतन है जिसका प्रयोग काव्य सर्जन में किया जाता है, तो काव्य सर्जन में स्वलीन जो चिंतन होता है, ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है उसका इस्तेमाल होता है। किस चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, यानी कौन सा चिंतन है जो सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, तो आगमनात्मक जो चिंतन है उसको सृजनात्मक चिंतन बोलते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये कथन टाइलर का है दोस्तों। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय तथा विशेष होता है, इसलिए वे उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है, तो वह अपनाता है बाल केंद्र शिक्षा, विधि केंद्र शिक्षा, शिक्षक केंद्र शिक्षा या विद्यालय केंद्र शिक्षा। तो जो बालक को ध्यान में रख के पढ़ा रहा है तो बाल केंद्र शिक्षा। अब देखिए आगे, एरिक्सन की खेल अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता में विकसित मनोसामाजिक शक्ति है। देखो यहाँ पे क्या आया, खेल अवस्था की बात हो रही है, पहल शक्ति बनाम दोषिता की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मनोसामाजिक शक्ति। तो इस अवस्था में जो मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है वो है उद्देश्य। पॉल कोस्टा रॉबर्ट मैक्रे के वृत्त पंचकारक सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, तो अनुभव का खुलापन शामिल होता है, कर्तव्य निष्ठा भी शामिल होती है, तंत्रिका तापिता भी शामिल होती है, लेकिन चित्त प्रकृति इसमें शामिल नहीं होती है। अब आया संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है, संवेगात्मक जो बुद्धि उसकी विशेषता नहीं है, तो संवेगों को समझना, यस, दूसरों को नजरअंदाज करना, समायोजन एवं निर्णय, कार्य निष्पादन, तो दूसरों को नजरअंदाज करना ये इसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। देखो यहां पे पूछा है कि क्या विशेषता नहीं है इसकी, तो कार्य निष्पादन जो है ना वो नहीं है, दूसरों को नजरअंदाज करना, ठीक है, कार्य निष्पादन ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, ठीक है। बुद्धि अन आयामी अवधारणा है, बुद्धि केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होती है, बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है, बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, बुद्धि बहुआयामी अवधारणा है, ये इसका सही जवाब है। अब देखिए आगे, आधुनिक दबाव शोध के प्रतिपादक है, तो आधुनिक दबाव शोध के प्रतिपादक हैंस सेले, ठीक है। फिर उद्देश्य प्राप्ति के रास्ते रुक जाना ही भग्नाशा है, ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो किसका, ये स्टेटमेंट जेम्स ड्रेवर का है, ये कोटेशन है किसकी, जेम्स ड्रेवर की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विद्यालय पर भार बढ़ा देना, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन करने की अपेक्षा रखता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो ये जवाब है। अब आया यहां पर, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जाए, केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, अलग करके विभिन्न विद्यालयों में रखें, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, तो देखिए इसके लिए ये होना
चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा करें तो विवृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता कमी किसका लक्षण है। देखो लिखावट की बात हो रही है और लिखावट जो है वो क्या होता है, वो डिसग्राफिया, ठीक है, स्वर में विकृति, सुनने में जो विकृति है उसकी माप किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, ठीक है। एक प्राथमिक विद्यालय में 192 विद्यार्थी हैं तो आरटी 2009 के अनुसार कौन सा प्रावधान क्रम से सही होगा, यानी कौन सा प्रावधान उसके लिए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षक 5 होंगे, अनुपात 1:30 होगा और संस्था प्रधान 1 होगा, तो ये इसका सही अनुपात है, ठीक है। स्टीफन एम कोरे, कोलियर लेविन, बंकिंगम इत्यादि का संबंध किस अवधारणा से है, तो आप जानते हैं जो सारे जो नाम है वो क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण के सोपानों का सही क्रम होता है, यानी उपलब्धि जो परीक्षण है उसके सोपानों का सही क्रम इनमें से कौन सा है, तो देखो यहां पर क्या आया, यहाँ पर इसका जो सही क्रम है उसको देखो, उद्देश्य निर्धारण, प्रश्न संपादन, ब्लूप्रिंट निर्माण, उत्तर कुंजी निर्माण, प्रारूप निर्धारण, प्रारूप निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, प्रश्न संपादन, उत्तर कुंजी का निर्माण, ब्लूप्रिंट निर्माण, उद्देश्य निर्धारण, प्रारूप निर्धारण, ब्लूप्रिंट निर्माण, प्रश्न पत्र संपादन, उत्तर कुंजी का निर्माण, यस ये तीसरा जो ऑप्शन है वो इसके सही सोपानों का सही क्रम ही होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है कि ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है और से ज्ञान विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है, ठीक है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति कहलाती है, इस प्रकार की प्रगति को नाम दिया जाएगा। तो ये देखो यहां पर क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट प्रगति कहलाती है। अब आया नवजात शिशु का भार होता है, तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो होगा 7 पाउंड। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ठीक है, अनुभव विकास का एक मात्र निर्धारक है, विकास प्रबलन तथा दंड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, विकास प्रत्येक बच्चे गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, तो कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल है। तो देखो सिद्धांत यहाँ पे क्या शामिल है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। फिर आया 3 साल का एक बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, ये उदाहरण है किसका, तो ये एनिज्म जीववाद का उदाहरण होता है, सजीव वस्तुओं को भी वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो एनिज्म हो गया। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित के सिद्धांत उनके सही वर्णन से इनको मैच करना है, देखो समीप दुराभिमुख तो इसके मैच करवाएंगे हम लोग, तो यहां पे देखो समीप दुराभिमुख दिशा, तो यहां पर होगा ये शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, तो ये यहां पे देखो ए, इसके नीचे ये होना चाहिए 4 नंबर, ठीक है। फिर यहां पर देखो हम बात करें आगे, तो आगे चर्चा करें दूसरा सिरा पदाभिमुख दिशा, तो सिर से पैर की ओर, यानी इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये 2। फिर अंतर्व्यक्ति भिन्नताएं, तो विभिन्न बच्चों की भिन्न दर से, यानी सी में होगा 1। फिर आया डी, और डी जो है अंतर्व्यक्ति भिन्नताएं, तो इसमें होगा किसी अकेले बच्चे में, यानी कि 3, तो 4 2 1 3, ये देखो 4 2 1 3, ये इसका जवाब। अब देखिए एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित पर मौखिक प्रश्नों के आधार पर, या फिर प्रेक्षण के आधार पर। यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है कक्षा 1 और कक्षा 2 की, तो प्रेक्षण के द्वारा उनका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। फिर किशोरावस्था में यौन अवस्था के 3 चरणों का सही क्रम है, किशोरावस्था में यौन अवस्था के 3 चरणों का सही क्रम होता है, तो देखो विषमलिंगी कामुकता, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता, विषमलिंगी कामुकता, विषमलिंगी कामुकता, समलिंगी कामुकता, स्वप्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो सही क्रम है वो है स्वप्रेम, फिर समलिंगी कामुकता और फिर विषमलिंगी कामुकता। किस मनोग्रंथि कारण लड़कियां पिता की लाडली होती है और पिता से माता की शिकायतें कर प्रसन्नता अनुभव करती है, ये कौन सी जो ग्रंथि है वो लड़कियों में पाई जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये देखो ये इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों देखें पहले
हमने जो अपठित गद्यांश दिया है उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके आधार पर 31 नंबर प्रश्न यानी हमारे हिंदी का पहला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। यानी पुल्लिंग शब्दों से, याद रखना बच्चों ध्यान से सुने, पुल्लिंग शब्दों से असंगत मतलब जो पुल्लिंग शब्दों में शामिल नहीं है, असंगत है पुल्लिंग शब्दों की दृष्टि से। अर्थात ये कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो विनाश पुल्लिंग शब्द है, वातावरण पुल्लिंग शब्द है, परिणाम पुल्लिंग शब्द है, स्थिति स्त्रीलिंग शब्द है। हम कहें ये देश की स्थिति है, स्थिति स्त्रीलिंग शब्दों में आता है, तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प दो, स्थिति। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, प्रश्न दिया है इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। याद रखें बच्चों, वचन भी नहीं बदलता किसी भी परिस्थिति में और लिंग भी नहीं बदलता, अर्थात वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सदैव रहेगा, एक वचन बहुवचन में उसी रूप में रहेगा, बदलाव नहीं होगा। वो कौन सा है, आलसी, तो आलसी से हम आलसियों बना सकते हैं, लिपि से लिपियों बना सकते हैं, दीवार से दीवारें बना सकते हैं। जल एक ऐसा शब्द है बच्चों हमारे सामने हमारे विकल्प में जिसका बहुवचन भी के रूप में भी ये बदलाव नहीं होगा और लिंग की दृष्टि से देखें तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा, तो ये विकल्प हो जाएगा चार, जल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न दिया है उपयोगितावाद का सही अर्थ बताइए। उपयोगितावाद, बच्चों ध्यान से सुने, शब्द दिया है उपयोगितावाद का सही अर्थ बताना है हमें। चार विकल्प दिए, वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए, या फिर मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत बताया जाए, या उपयोगितावाद का अर्थ ये है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, या फिर उपयोग में लाने का भाव। बच्चों उपयोगितावाद का सही अर्थ होता है अधिक से अधिक लोगों का, उपयोगितावाद का शब्द का सही अर्थ होता है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, यानी उनका हित साधना, तो विकल्प तीन यहां उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, यदि हम अब नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है। तो बच्चों देखें, यदि हम अब नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, तो यहां पर तो लगाते तो हेतु मद की बात आती है, लेकिन हेतु मद यहां नहीं है, तो उस रूप में यह भी ये कहेंगे यदि हम अब नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे, एक प्रकार से संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभाव्य भविष्यत काल यहां उत्तर हो जाएगा, विकल्प चार हमारा यहां जवाब होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। चौराहों, तो बच्चों यहां पर पहला विकल्प दिया चार मंजिलों का भवन चौराहे नहीं कहलाता, वह स्थान जहां चार रास्ते मिलते हैं चौराहा कहलाता है, चारों तरफ देखने वाला, या फिर एकाधिक स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो, यहां बहुवचन आ गया ना बच्चों, चौराहों, चौराहा शब्द होता तो विकल्प दो कर देते, लेकिन चौराहों बहुवचन है तो विकल्प चार होगा, एकाधिक स्थान जहां चार रास्ते मिलते हो, तो उत्तर चार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, घास काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरा दिया है घास काटना, इसका अर्थ क्या है। विकल्प पहला देखें, कुछ भी असर न होना, दूसरा कठिनता पूर्वक कार्य करना, तीसरा विकल्प दिया है गैर जिम्मेदार होना, और चौथा है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, तो विकल्प चार हो जाएगा। जिसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो, जैसे तैसे काम को पूर्ण कर दिया हो, तो उसके लिए हम बात कहते हैं घास काटना मुहावरा हो जाता है, तो विकल्प चार हमारा उत्तर होगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। अगला प्रश्न देखें 37वां, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, इसमें प्रश्न पूछा है विशेषण पदबंध कौन सा है, तो बच्चों विशेषण बताने वाला शब्द कौन सा है, इसमें सारस संज्ञा है और इसकी बात बताई जा रही है लंबी गर्दन, अब गर्दन भी संज्ञा के रूप में, लेकिन लंबी की बात जब कही जाए तो ये विशेषण के रूप में आता है, तो यहां कहेंगे सारस की तरह लंबी जो शब्द मिलेगा वो क्या है हमारा विशेषण पदबंध। देखिए पहले में है
दूसरे में लगती, तीसरे में सारस की तरह लंबी और चौथे में गर्दन। तो यहां विकल्प तीन हो जाएगा, सारस की तरह लंबी, ये विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न देखें, राम घर तक गया में अव्यय कौन सा है? बच्चों ध्यान से देखना, अव्यय शब्द तक है और तक क्रिया से पूर्व आता है तो उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन बच्चों ये क्रिया विशेषण में उन शब्दों के रूप में काल स्थान प्रमाण रीति में प्रयुक्त होता नहीं है ये शब्द। इस प्रकार से ये एक प्रकार से राम का घर तक जाने के संबंध को व्यक्त करता है, तो यहां पर यह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अगला प्रश्न देखें 39, संबंध बोधक अव्यय। बच्चों ध्यान से देखना, इसको संबंध बोधक अव्यय ही कहेंगे, कई जगह क्रिया विशेषण भी मिलता है, क्रिया से पूर्व बताने के कारण क्रिया विशेषण, काल परिमाण रीति इनकी बात अगर करते हैं, तक एक प्रकार से समय का तो बोध करवा रहा है लेकिन निश्चितता व्यक्त नहीं होती। जब संबंध बोधक यहां नहीं होता तो हम उसको क्रिया विशेषण में शामिल कर लेते, लेकिन यहां प्राथमिकता संबंध बोधक अव्यय को ही दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, इस वाक्य में बताना है कि किस प्रकार का है? क्या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, जटिल वाक्य? बच्चों इसमें न तो आपको कोई संयुक्त यानी जोड़ने वाला बोध नजर आ रहा है और न ही कोई आश्रित नजर आ रहा है, ये एक सरल वाक्य है, तो विकल्प तीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है? स्कूल को तो बाग की उपमा दी, अध्यापक को माली की और बच्चों को पौधे की। स्कूल बाग, अध्यापक माली, बच्चे पौधे। तो बच्चों ये परिभाषा दी किसने है? ये फ्रोबेल की परिभाषा है, तो विकल्प एक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? क्या इसको प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर? बच्चों वर्तनी मतलब शुद्ध उच्चारण की बात कही जाए तो प्राथमिक स्तर पर विधिवत रूप से शुरुआत कर दी जाती है, तो विकल्प एक हो जाएगा, प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न दिया है, भाषिक सामग्री कौन सी है? भाषिक सामग्री क्या मूल विषय वस्तु को मानते हैं या प्रत्ययों को या शब्दावली या मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय? विकल्प क्या होगा? तो बच्चों देखें यहां पर शब्दावली व भाषिक के रूप में प्रयुक्त होती हैं, तो विकल्प तीन हो जाएगा, शब्दावली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? अधिक विश्वसनीय परीक्षण की बात करते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण ये अधिक विश्वसनीय हो जरूरी नहीं है, मौखिक परीक्षण इसकी भी आवश्यकता हम नहीं महसूस करते कि ये विश्वसनीय होगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण ये भी विश्वसनीय नहीं होता, अधिक विश्वसनीय प्रमापीकृत परीक्षण को माना जाता है, तो विकल्प हो जाएगा चार, प्रमापीकृत परीक्षण। अगले प्रश्न की तरफ देखें, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? विषयों की व्यापकता, सीसीई की बात कर रहे हैं, सतत मूल्यांकन जो आता है, व्यापक सतत मूल्यांकन उसकी बात कर रहे हैं, उसमें इसकी व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है? विषयों की व्यापकता शामिल है, उपकरणों की व्यापकता ये भी शामिल है, दायरे की व्यापकता ये भी शामिल है, प्रश्नों की व्यापकता इसमें शामिल नहीं है, तो विकल्प हमारा चार यहां पर हो जाएगा, प्रश्नों की व्यापकता। अगला प्रश्न देखें, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझता रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार किस प्रकार से करेंगे? यानी एक बालक जो अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, हीन भावना से ग्रस्त है, आत्मविश्वास खो बैठा है, तो शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे या दंड देंगे या परिवार को सूचना देकर के आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे या मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर के आप अपने शिक्षक होने का उत्तरदायित्व निभाएंगे? तो बच्चों यहां पर एक अच्छे शिक्षक के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि उस विद्यार्थी के साथ आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें ताकि उसमें आत्मविश्वास
उत्पन्न हो जाए? हमारा उत्तर एक हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न देखें, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता निम्न में से नहीं है, वैधता। बिल्कुल सही है, वैधता का मतलब ये होता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये काम कर रहे हैं वो उद्देश्य आपको प्राप्त हो रहा है तो वो वैध है, तो वो मूल्यांकन क्या हो जाएगा? वैध। तो वैधता इसमें विशेषता के रूप में शामिल होती है। वस्तुनिष्ठता अच्छे मूल्यांकन में है क्योंकि आप लघुतरात्मक निबंधात्मक प्रश्न देते हैं तो वहां भी विश्वसनीयता नहीं बन पाती, मूल्यांकन अच्छा नहीं हो पाता, वस्तुनिष्ठता में मूल्यांकन आप अच्छे से कर पाते हैं। व्यापकता होनी जरूरी है अच्छे मूल्यांकन के लिए, तो यहां पर यह कह रहे हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो यह विशेषता नहीं होगी, मतलब उत्तर हमारा यह होगा तीन नंबर। उत्तर कौन सा आ जाएगा? तीन नंबर। यहां पर हमने बताया ये भी मूल्यांकन की विशेषता है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है, लेकिन ये आत्मनिष्ठता इसकी विशेषता नहीं है। और प्रश्न पूछा है विशेषता नहीं है तो उत्तर नंबर तीन आपको करना है, आत्मनिष्ठता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों हीन है जो भावना, कर्मधारय समास। अविभाव में नहीं होगा, द्वंद्व में नहीं होगा, बहुव्रीहि में नहीं होगा, पहला विकल्प हो जाएगा हीन है जो भावना। अब बच्चों यहां पर अंकों में एक संख्या दी गई है आपको और पूछा गया है इसका मानक रूप क्या है, अर्थात इसको शब्दों में बताना है, जिसको इंग्लिश में हम 77 कहते हैं, हिंदी में 77 कहते हैं। तो 77 न तो ऐसे लिखा जाता है न ऐसे, इसमें आधा तय आता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा 77। क्या आएगा? 77। तो विकल्प हमारा चार यहां उत्तर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची समूह कौन सा है? गंगा नदी का पर्यायवाची बताना है। भागीरथी गंगा को कहते हैं, भगीरथ से बना है। सुरसरी यानी देवताओं की नदी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। देवपगा यानी देव विष्णु जी के पैरों में विराजमान है, स्थापित है। तो ये तीनों विकल्प, यही पहले विकल्प में हमारा उत्तर आ जाता है। तो ये गंगा का पर्यायवाची समूह हमारा 49 में एक होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अभिज्ञ का विलोम होता है। बच्चों ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट शब्द है अभिज्ञ। अब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ए उपसर्ग लगा है भिज्ञ शब्द में, ये ऐसा मानते हैं, जबकि बच्चों भिज्ञ शब्द नहीं होता, शब्द होता है ज्ञ और उसमें उपसर्ग लगा है अभी। कौन सा लगा है? अभी। ये उत्तर सही होता है। इसमें पूछा है अभिज्ञ मतलब अच्छे से जानने वाला, और इसमें यदि हम अन उपसर्ग और जोड़ देते हैं अभिज्ञ में तो शब्द बनेगा अनभिज्ञ, अर्थात जो अच्छे से नहीं जानता हो वो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ। तो यहां पर विकल्प तीन इसका उत्तर होगा अनभिज्ञ। अगला प्रश्न दिया है, थोड़ा खिला हुआ फूल, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपना, उसको कहते हैं मुकुल। सुमन, प्रसून और कुसुम ये पुष्प के पर्यायवाची हैं और मुकुल पुष्प का पर्यायवाची है, लेकिन वो जिसको कली के रूप में प्रयुक्त करते हैं, थोड़ा खिला हुआ फूल, पूर्ण नहीं, पूर्ण नहीं, थोड़ा खिला हुआ फूल क्या कहलाता है? मुकुल। अगला वाक्य दिया है, प्रश्न है अगला अपना, कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। कर्तृवाच्य कृदंत प्रत्यय, आपको यह ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य मतलब कर्तृ का मतलब क्या होता है? मतलब करता हो, और कृदंत का मतलब क्रिया से बना हो। विचारणीय, विचारक, सुंदरतम, गांगे, ये तो गंगा से बना है, ये आपका अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में आ जाता है। विचार शब्द जो होता है विचारना क्रिया से बना है, और विचारना में अक लगाएंगे तो विचारक यानी विचार करने वाला, तो विकल्प हमारा दो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जिस उद्देश्य के लिए प्रेक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो बच्चों यहां हमने कुछ समय पहले भी पढ़ा था वेद परीक्षण यानी मूल्यांकन की विशेषता के रूप में, तो वेद के लिए मैंने आपको बताया भी था वैधता क्या होती है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जा रहा है और उसकी पूर्ति अगर हो रही है तो वो मूल्यांकन अच्छा है, वो मूल्यांकन वैध है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या परीक्षण तैयार किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, और उस उद्देश्य की पूर्ति यदि हम कर पा रहे हैं, हो रही, तो वो मूल्यांकन वैध है। तो यहां पर पहला विकल्प हो जाएगा वैध परीक्षण। अगला प्रश्न देखें, सीसीई प्रणाली में ए
प्रथम या ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी। तो बच्चों यहां पर 91 से 100 तक, 81 से 90 तक, 90 से 100 तक, 71 से 80 तक ए फर्स्ट ग्रेड में 91 से ए फर्स्ट ग्रेड मतलब 91 से 100 तक के अंक प्राप्त करने वालों को शामिल किया जाता है। फिर प्रश्न दिया है हमारा, सीबीएसई ने किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दिया था। तो यहां 2010-11 से सत्र जो था उसमें शामिल किया था सीबीएसई ने किस वर्ष, सीबीएसई ने किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन जिसको सीसीई कहते हैं यह 2010-11 से शामिल किया गया था, सत्र 2010-11। तो विकल्प एक हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में देखें, भाषा में बिंब के प्रकार होते हैं, बिंब के प्रकार बच्चों 2, 1, 7 और 4, तो चार विकल्प यहां पर हमारा चौथा विकल्प जिसमें आंसर आपका उत्तर जो है चार दिया है, चार बिंब होते हैं। इसमें विचार बिंब, भाव बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो विकल्प चार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है, भाषा दक्षता में विकास किया जा सकता है किस रूप में। पहला विकल्प दिया है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, या लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, या शब्द रचना का ज्ञान कराकर, या फिर उक्त सभी प्रकार से। तो यहां पर बच्चों भाषा दक्षता में शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी करवा सकते हैं, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर भी करवाया जा सकता है, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर भी करवाया जा सकता है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा चार। अगला प्रश्न देखें, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, या दूसरी कक्षा से। तो बच्चों यहां पर तीसरी कक्षा से, एनसीएफ जो है 2005 उसमें भी यही जिक्र किया गया, कक्षा तीसरी से किया जाना चाहिए, वैसे छठी कक्षा से भी करते हैं, लेकिन एनसीएफ जो कहते हैं मौन वाचन की शुरुआत कब करनी चाहिए, तीसरी कक्षा से, तो विकल्प एक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है, समंकन योजना बनाने का उद्देश्य। तो पहला दिया है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, यह उद्देश्य हो सकता है, या प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, यह उद्देश्य होगा, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या फिर उक्त सभी, कौन सा मानेंगे। यहां आएगा पहला विकल्प, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करने हेतु समंकन योजना का उद्देश्य है। समंकन योजना का उद्देश्य क्या है, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। अंतिम प्रश्न दिया है हमारा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ध्यान से देखें, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, पहला दिया क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, ये इसमें शामिल है, प्रेरणा का सिद्धांत ये भी है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत ये भी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उक्त सभी। जिनका पेपर हुआ था 4 अप्रैल को, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन, ठीक है, पोइम वगैरह जो पेपर आपके पास होगा उसके आधार पर आप देख लीजिए, इसमें ऑटम सीजन वाला जो पार्ट है उसमें पर्सोनिफिकेशन का भाव बनेगा, ऑटम सीजन पंक्ति देखना ना, ऑटम सीजन वाली जो पंक्ति है अपनी वो देखनी आपको, और उसमें भाव बनेगा, वो किसका भाव बनेगा, पर्सोनिफिकेशन का भाव बनेगा। आगे देखो इसकी राइम वगैरह जो है वो मेंटेन मैनेज की हुई है कि राइम इन द अबव पोइम लाइन टू राइम्स विद लाइन, ठीक है, दूसरी जो लाइन है, सेकंड जो लाइन है, ठीक है, उसका जो संबंध है, ठीक है, वो कौन सी लाइन के साथ है, यानी वैसी राइम कौन कौन सी जो लाइन है उनकी है, सेकंड लाइन जो उसमें क्या है, ग्रेन वर्ड था, ग्रेन, ठीक है, ग्रेन वर्ड था, ठीक है, और ये जो है ग्रेन है, सेकंड जो लाइन है ग्रेन, ग्रेन में एन की साउंड आ रही है, ग्रेन में देखो दिखा ये आ रही है, एन की साउंड आ रही है। उसके बाद में फिर देखो एक पांचवी लाइन उसमें क्या दे रखा है, मैन दे रखा है, और आठवीं जो लाइन उसमें क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है, तो मैन, प्लेन, ग्रेन, इस प्रकार से, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर होगा, देयर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, मेटाफर का भाव है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन ए सिमली, कौन कौन सी लाइन है जिसमें सिमली का भाव है, पेपर देखो दिखा, पेपर में आप देखिए कौन कौन सी लाइन है जिसमें सिमली का भाव है,
ठीक है, पेपर सभी के पास अवेलेबल होगा। तो देखो लाइन 14 और जो 15 की जो लाइन है, लाइन 14 एंड 15 जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। 14 में लाइक जैसे शब्दावली का प्रयोग हो रहा है तो इसमें भाव होगा। अगला जो क्वेश्चन अपना वो देखिए, राइम स्कीम है, लास्ट लाइन जो है पोइम की 14 से 17 तक की जो लाइन है उसकी राइम स्कीम पूछी हुई है, ठीक है। 14 से 17 की जो लाइन है, तो 14 से 17 की लाइन जो है उसमें क्या है, एक दे रखा पास्ट अवे लास्ट करे, ठीक है। 14 जो लाइन है उसमें लास्ट में क्या दे रखा है, पास्ट गरे लास्ट अवे, तो ए एक बी, ठीक है। लास्ट क्या बोलोगे, सी, सॉरी क्या बोलोगे, फिर से ए, ए बी बनेगी जिसकी, ठीक है, ए बी ये पार्ट आ गया, ठीक है जी। ये पूरा पूरा पेपर था वो टाइप नहीं किया हमने, सिर्फ क्योंकि सभी के पास पेपर वगैरह अवेलेबल है तो उसके आधार पे वो देख लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से वोवेल साउंड और डिप्थोंग की संख्या कितनी होती है, प्योर वोवेल जो होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, डिप्थोंग की संख्या 8 होती है, ठीक है, जो कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर में, ठीक है। यस में पहला जो साउंड है वो क्या है, यस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस टाइप से बनता है, यस यस आ गया, ये आ गया जो कौन से में है, 4 नंबर ऑप्शन में। एक देर का ब्लू, तो ब्लू का ट्रांसक्रिप्शन वो कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ब्लू, तो ऊ बड़ा है और ऊ बड़ा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 1 नंबर में है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टेक, और टेक कैसे लिखते हैं अपन, टेक ऐसे लिखते हैं, ए ए की साउंड आती है, ए क्या होता है, डिप्थोंग होता है, 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड नो, तो के एन ओ होता है या फिर के एन ओ डब्ल्यू होता है, इन दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है, नो नहीं होता, नउ होता है, डिप्थोंग आता है इसमें, आउ ये पार्ट आ जाएगा, तो ये कौन से ऑप्शन में अपना, 1 नंबर में। क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर एट पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्या कह रहा है कि लैंग्वेज टेस्ट जो किस लिए तैयार किए जाते हैं, द लर्नर्स लाइकिंग फॉर द लैंग्वेज, बच्चे अधिगम करता जो होता है वो उसका भाषा के प्रति की पसंद की क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा द लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज, भाषा के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, ये पार्ट है। दोनों दोनों आंसर आपके सही हैं, लेकिन दोनों में अगर अपन ज़्यादा प्राथमिकता का अगर भाव देखें तो कौन सा पार्ट आ जाएगा अपना, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। भाषा के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, क्या रवैया उसका, ठीक है, वो जानने के लिए। वन ऑफ द पर्पज ऑफ एवलुएशन ऑफ लर्नर इज, एवलुएशन जो है उसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड, असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट्स, ठीक है, और एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, ये पार्ट आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं जिसको अपना MCQ बोलें या इसी को अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो हमेशा रिलायबिलिटी, ठीक है, एक बोलोगे ऑब्जेक्टिविटी और एक वैलिडिटी से भरपूर होते हैं, जो बढ़ाते किसको हैं, ऑब्जेक्टिविटी को, तो घटाते किसको हैं, सब्जेक्टिविटी को घटाते हैं। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है अपना, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी जो हमने डाला है। रिकॉल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इसी को अपन कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, कहीं भी ब्लैंक दिया होता है उस ब्लैंक की पूर्ति करनी होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपनी मेमोरी पर डिपेंड करती है, तो किस पर आधारित होते हैं, किसका परीक्षण होता है, मेमोरी का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, नहीं ये तो ओनली जो अपनी जो प्रॉपर जो क्लास चलती है उसी में होता है, टेस्ट रिसेंटली टोट आइटम्स, ठीक है, जो पढ़ाए हुए जो आइटम हो उनको टेस्ट करना, ये पार्ट भी नहीं बोल सकते। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्नड, यानी अच्छी तरह से जो बच्चे के मैटर तैयार नहीं हुआ उसके लिए पृथक कक्षा का अरेंजमेंट करके उन चीज़ों को दोबारा पढ़ाना किसका भाग होता है, रेमेडियल टीचिंग का भाग होता है, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट जो पार्ट अपना, इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ सेकंड पैराग्राफ, सो नाउ डेज ऑल वर्क, सो यहाँ पे किस प्रकार का वर्ड है, किस प्रकार का है, तो सो जो होता है वो रिजल्ट को इंडिकेट करता है, रिजल्ट को, ठीक है, रिजल्ट को। और रिजल्ट क्या होता है, किसी चीज का कारण होता है, ये पार्ट आ गया ना, प्रभाव जो होता है ना, किसी कारण का प्रभाव होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ए क्योज, न कि क्योज ऑफ एन इफेक्ट। हाउएवर जो है वो किसको इंडिकेट करता है, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। विरोधाभास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउएवर का प्रयोग करते हैं। अपोजिशन कंडीशन जो होती है ना, अपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउएवर का प्रयोग करते हैं। ऑल वर्क है, वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, बाकी किसमें है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक घूमती फिरती छाया है, किसका भाव हो गया, मेटाफर का। अगर मैं बोल दूं लाइफ इज लाइक ए वॉकिंग शैडो तो वहां पे सिमिली का भाव हो जाएगा। मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे पे घूंघट डाल रखा था, मतलब स्त्री रूपी चंद्रमा, तो पर्सोनिफिकेशन का भाव आ गया इसमें। मॉडल मे कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ
मैं जो हम किस प्रकार का मीनिंग इंडिकेट करता है, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रोहिबिशन के लिए कोई भी मॉडल के साथ नोट लगा दें, और एडवाइस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मस्ट नोट है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, मस्ट नोट किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोहिबिशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा वो दे रखा, मोस्ट स्टूडेंट गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, गोट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, पास होना होता है, उत्तीर्ण होना। शेक्सपियरन सोनेट यूजुअली कंटेंस, शेक्सपियरन का जो सोनेट है, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें तीन तो क्या होते थे, कवेट्रन होते थे, तीन कवेट्रन, थ्री कवेट्रन यानी स्टेंजा, एक कवेट्रन लाइनों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है, सॉरी चार होती है, और एक कवेट्रन या स्टेंजा यानी स्टेंजा और कवेट्रन दोनों में क्या है, लाइन की संख्या कितनी होती है, चार होती है। स्टेंजा में लाइन कितनी होती है, ऐसा प्रश्न रीट में पूछा हुआ है, ठीक है, पिछली बार ही पूछा था, ठीक है, वही आ गया। तो एक कवेट्रन कहें या वन स्टेंजा कहें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, फोर लाइन्स होती हैं। सोनेट क्या होता है, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स होती है, 14 लाइन की जो पंक्तियां होती हैं। इटालियन सोनेट में वन ऑक्टेव एंड वन सेस्टेट, ऑक्टेव में आठ लाइन होती है, सेस्टेट में छह, टोटल कितनी हो गई, 14 लाइन्स। और इंग्लिश सोनेट जो होता है, जिसको अपन शेक्सपियरन सोनेट बोलते हैं, जिसमें तीन तो कवेट्रन होते थे, एक कपलेट होता था, कवेट्रन को हम स्टेंजा बोल सकते हैं, थ्री स्टेंजा एंड वन कपलेट, ऐसा बोलोगे ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इलिजी क्या होता है, ए मॉर्निंग सॉन्ग होता है, ए लेमेंटियल सॉन्ग होता है, सॉन्ग ऑफ लेमेंटियल सॉन्ग बोल, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन बोल सकते हैं, उसी प्रकार से क्या बोल सकते हैं, इलिजी क्या होता है, एक सैड सॉन्ग होता है, दैट इज संग एट द डेथ ऑफ डियरेस्ट वन, कोई भी अपना जो होता है ना, प्रिय जो होता है, बहुत क्लोज होता है, उसकी मृत्यु के ऊपर गाया जाने वाला जो दुख भरा गीत होता है, उस गीत को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इलेजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, फीलिंग ऑफ लॉस आता है, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ लॉस मतलब लॉस का मतलब हानि, यानी किसी को खोना, खोने का मतलब क्या है, कोई की मृत्यु जो होती है उसके ऊपर जो दुख भरा जो गीत गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेजी, जो लिखी जाती है अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर, जिसकी थीम क्या होती है, सीरियस होती है, जिसकी थीम क्या होगी, सीरियस होगी जी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी भाषा होती है इंग्लिश, कोई भी भाषा होती है जो अक्सर क्या है, संप्रेषण के लिए काम में आती है, ठीक है, और सीएलटी जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, सबको पता है, यहाँ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बोलने ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें, सीएलटी वाला जो है, सीएलटी को हम क्या मानते हैं, लर्नर सेंटर्ड या लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच मानते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या आती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच आती है, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मुख्य कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो क्या है, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग क्या है, सर्वोपरि होता है, मीनिंग को समझाने के लिए अगर आप ट्रांसलेशन काम में लेते हैं, ठीक है, मीनिंग को समझाने के लिए अगर आप मातृभाषा काम में लेते हैं तो वो अलाउ करती है, कैसे भी है, बच्चा अगर गलती भी करता है तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन बच्चे के अर्थ समझ में आना जरूरी होता है, तो सबसे पैरामाउंट मानते हैं वो किसको मानते हैं, मीनिंग को मानते हैं, ठीक है। ए लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर बिकॉज, एक लैंग्वेज का जो छात्र होता है वो गलतियाँ करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसमें भाषा की क्या होता है, उसको कम ज्ञान होता है। चार ऑप्शन पढ़ोगे, इनका एनालिसिस कर लो, ठीक है। एक तो देखो, लर्नर हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, अगर भाषा का पूरा ज्ञान होता तो वो गलती कैसे करेगा, ठीक है। लर्नर इंजॉय मेकिंग एरर, बच्चे को गलती करने मजा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। द टीचर हैज परमिटेड हिम टू मेक एरर, टीचर जो उसको परमिशन देता है कि बच्चा गलती कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल, अंशवर्ग या थोड़ा ज्ञान होता है किसका, भाषा का, भाषा का बच्चे को कम ज्ञान होता है, तो इस वजह से बच्चा क्या करता है, गलती करता है। संप्रति ने केवलम भारते अपितु समस्ते भूमंडले प्राकृतिकम असंतुलम समुत्पन्नम, संप्रति इस समय ने केवलम भारते, केवल भारत में ही नहीं अपितु बल्कि समस्ते भूमंडले, समस्त भूमंडल में प्राकृतिक असंतुलम असंतुलनम, प्राकृतिक असंतुलन समुत्पन्नम उत्पन्न हो रहा है। कुत्रचित अनावृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि हो रही है, तो कुत्रचित अल्पवृष्टि, कहीं पर अल्पवृष्टि हो रही है, कुत्रचित अल्पवृष्टि अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि के साथ और अतिवृष्टि भी भवती हो रही है साम्प्रतम इस समय। जनानाम आवश्यकता पूर्तये, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उद्योगानाम राजमार्गानाम, उद्योगों का राजमार्गों का, जलबंधनानाम जलबंधनों का, और रेल मार्गानाम संचार रेल मार्गों का संचार, साधना नाम च साधनों का, विस्तार है विस्तार अपेक्षित है अपेक्षित हो गया है,
अतः स्वार्थ वसाद स्वार्थ के वशीभूत होकर के मानव एन मानव के द्वारा प्रकृति को साध प्रकृति के कोच से मृतिक प्रस्तर धातु मिट्टी पत्थर धातु काष्ठादिनी लकड़ी आदि परिलुंठितानी लुटने लगे हैं। इसके बाद यदि इत्यमेव यदि इसी प्रकार से प्रदूषणेन ताप वृद्धि भवेत प्रदूषण में ताप वृद्धि होती रही तो तरही अवश्यमेव अवश्य रूप से ध्रुव क्षेत्र हिमगलने ध्रुव क्षेत्रों में हिम के गलने से जल प्रलय भविष्यति जल का प्रलय जल की प्रलय हो जाएगी। भूमि जल वायु ध्वनि प्रदूषणानि चिंतनीयानि भूमि जल वायु ध्वनि प्रदूषण आदि चिंतनीय है। वायवः कीटाणु इतस्ततः नयन्ति वायु कीटाणुओं को इधर उधर ले जा रही है। वायु अभावेन वायु के अभाव से न जीवधारण जीवन्ति केवल जीवधारी जीवन नहीं जी पाएंगे और जी रहे हैं। कीटनाशक का नाम वर्धमानेन कीटनाशकों के वर्धमान से यानी कि कीटनाशक पदार्थों के बढ़ने से वृद्धि होने से प्रयोगेण प्रयोग करने से पृथिव्यः पृथ्वी अन्न फल आदिनी पृथ्वी फल और अन्न आदि भी जो हैं वो प्रदूषितानि जातानि प्रदूषित हो रहे हैं। महानगरेषु वाहना नाम निर्बाध प्रचलन ध्वनि प्रसार यंत्र द्वारा विज्ञापन नूतन यंत्र नाम नादेन चेक करण स्फोटक ध्वनि अहोरात्र उत्पद्यते। महानगरेषु महानगरों में वाहनों के निर्बाध प्रचलन से ध्वनि प्रसार यंत्रों के द्वारा विज्ञापन से नए नए यंत्रों के प्रयोग से कर्ण विस्फोटक ध्वनि रात दिन उत्पन्न हो रही है अहोरात्रम उत्पद्यते रात दिन उत्पन्न हो रही है। तेन मानवस्य मनसः शांति विलुप्ता जिससे मानव के मन में शांति विलुप्त हो गई है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं तरही अवश्यमेव शब्दे अस्मिन् कह संधि प्रयुक्तम। तरही अवश्यमेव शब्दे इस शब्द में कह संधि प्रयुक्तम कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है तो इस शब्द में हमको संधि जाननी है कि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। आइए जानते हैं कि तरही ये बनता है इसका तरही प्लस अवश्यमेव ये बनता है। अब हम देखते हैं कि तरही ही में से क्या लिया है ई इसके बाद में कौन है ए समान स्वर है तो बराबर इस ई के स्थान पर क्या बन जाएगा ये और जिस संधि में ई के स्थान पर यह आदेश होता है वह क्या बन जाता है वह बन जाती है यण आदेश ये यण आदेश तो बराबर राइट आंसर क्या माना जाए इसका यण माना जाए ये तरही अवश्यमेव में यण संधि होगी यण संधि। इसके बाद में हमको पढ़ना है कि चिंतनी यानी इत्यत्र कह प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्तम चिंतनी यानी यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है तो चिंतनी यानी में अनिय की ध्वनि आ रही है इसलिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा अनिय प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप है तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप कौन सा है मनस है या राजमार्गाणाम या मानवेन या जनाह जने जनौ जनाह ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है राजमार्गाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और मानवेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है और बच गया कौन सा मनस है ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है पंचमी विभक्ति का एक वचन। इसके बाद अगला सवाल पढ़ते हैं और प्रश्न कह रहा है कि अहोरात्रम इत्यत्र कह समास है प्रयुक्तम अहोरात्रम में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है तो अहोरात्रम में दिन और रात अहो दिन और रात्रम रात दिन और रात की बात करता है तो दिन और रात कहाँ किस में पढ़ा जाएगा द्वंद्व समास में पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है नयन्ति शब्द कह धातु प्रयुक्तम नयन्ति शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है तो नयन्ति शब्द में नि धातु प्रयुक्त हुई है क्योंकि नि धातु का ये नि धातु का ही क्या बनता है नये बनता है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या जोड़ दिया जाता है अंति और ये क्या बन जाता है नयंति। माहेश्वरी सूत्रेषु स्वर संबंधी सूत्राणि संति माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों से संबंधित सूत्र हैं तो माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों से संबंधित हमने जाना ए ई उने री लिरी को ए ओंग आई औ चे है ये वह रेट है तो ये कहना चाह रहा है सवाल कि माहेश्वरी सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्र माहेश्वरी सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्र तो स्वर संबंधी ए उणे री लिरी के ए होंगे ऐ औचे एक दो तीन और ये चार राइट आंसर क्या होगा चतवारी।
ये इसका उत्तर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न जानते हैं, मोहने पंचदश कलोत्तर द्वादश वादने शयनम करोति। मोहन कितने समय की बात कर रहा है? पंचदश कलोत्तर द्वादश वादने, पंचदश, पंचदश का मतलब होता है 15, कलोत्तर माने मिनट, उत्तर माने अधिक हो गई है, द्वादश वादने 12 बजकर, कितने बजकर 15 मिनट अधिक हो गई है, द्वादश वादने 12 बजकर, तो 12 बजकर 15 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठे उच्चारण स्थानम भवति, कंठ का उच्चारण स्थान होता है या कंठ से उच्चारण स्थान माना जाता है, तो विसर्जनीय से विसर्ग, विसर्जनीय विसर्ग बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं आ कु है विसर्जनीय, आ कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ऐसे पढ़ते हैं, तो कंठ से निकलने वाला कौन आएगा? विसर्जनीय विसर्ग, क्योंकि जिभ्या मूलीय विसर्ग होगा नहीं, उपदमानीय होगा नहीं, उभयो दोनों होंगे नहीं, तो उत्तर कौन आ जाएगा? विसर्जनीय विसर्ग हो जाएगा। वृक्षाग्रवासी नेचे पक्षी राजे है, त्रिनेत्रधारी नेचे सूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी नेचे सिद्धि योगी, जलम च विभ्रन्नम घटो न मेघ। अर्थ है इसका, वृक्ष अग्रवासी वृक्ष के अगले भाग पर निवास करता है, नेचे पक्षी राजे लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, त्रिनेत्रधारी नेचे सूलपाणी यानी कि त्रिनेत्र तीन नेत्र धारण करता है, नेचे सूलपाणी लेकिन त्रिशूलधारी शंकर भगवान नहीं है, त्वग वस्त्रधारी नेचे सिद्धि योगी वह जूट के वस्त्र धारण करता है लेकिन सिद्धि योगी नहीं है, जलम च विभ्रन्नम घटो घड़े की तरह जल को धारण करता है, ने मेघ है लेकिन मेघ नहीं है। अब यह हमने वृक्षाग्रवासी नेचे पक्षी राज है आदि को हमने पढ़ा इस पद को, और इसको हमने प्रहेलिका, प्रहेलिका से लिया है, और ये प्रहेलिका है, पहेली है, और पहेली जो है ये कह रहा है कि आपने नारियल देखा होगा, नारियल है ना, नारिकेल, इसको देखा होगा, ये उसका ही एक पद है। यहाँ पर ये कह रहा है त्वग वस्त्रधारी इत्यत्र संधि नाम निर्देशनम, यानी कि त्वग वस्त्रधारी का मतलब ये कहना चाह रहा है त्वक प्लस वस्त्रधारी, आपने जसत्व संधि देखी होगी, जसत्व संधि में यहाँ पर पहले जसादेश होता है ना, और ये कह कह के स्थान पर तीसरा बना देंगे गय, ये क्या बन जाएगा त्वग, और वस्त्रधारी यहाँ पर ये हो जाएगा, तो बराबर ये कौन सी संधि सिद्ध हो जाती है? जसत्व संधि सिद्ध हो जाती है। अगला सवाल जानते हैं, सूलपाणी इत्यत्र कै समास है, सूलपाणी में कौन सा समास है, तो सूलपाणी में बहुव्रीहि समास। इसके बाद में प्रस्तुतम पदांश से छंद नाम निर्देशनम करो, तो प्रस्तुत पदांश में छंद का नाम निर्देशित करना है, तो छंद का नाम निर्देशित करना है, तो हम जानते हैं कि प्रस्तुत पदांश में कौन सा छंद प्रस्तुत हुआ है। देखो ये छह मैं जो वर्ण है इस पर चढ़ा दो गुरु, और ये आ की मात्रा ये गय इस पर चढ़ा दो गुरु, और ये गय रह गया इसको लघु, यहाँ पर ये लघु है और ये इस पर चढ़ा दो गुरु है और ये इस पे लघु है। अब बताओ दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? यहाँ पर गुरु गुरु लघु की स्थिति बन रही है, यहाँ लघु गुरु और लघु की स्थिति बन रही है, तो बराबर दोनों में अंतर आ गया, तो बराबर एक इंद्र वज्रा का है एक उपेंद्र वज्रा का है, तो राइट आंसर क्या पढ़ा जाए? उपजाति पढ़ा जाए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, यही पढ़ा होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ये आपने नीति शतक में पढ़ा होगा। और बालक है, बालक फलों को चाहता है, यहाँ पर फलों को चाहता है, वाक्य से अस्य संस्कृत भाषा में अनुवाद करो, इस वाक्य का संस्कृत भाषा में क्या करो? अनुवाद करो। बालक है फलेब्य स्प्रियति, बालक है फल से, तो देखो चाहता यानी कि जहाँ स्प्रिय धातु का प्रयोग होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। अब यहाँ पर षष्ठी लग गई फलस्य में, फलानी में प्रथम और द्वितीय का बहुवचन लग गया, फलाय में चतुर्थी। हम बात करते हैं कि चतुर्थी यहाँ भी है और चतुर्थी यहाँ भी है, दोनों में है, लेकिन आंसर दो नहीं हो सकते। ये कहना चाह रहा है बालक फलों को, एक फल नहीं चाह रहा है, यहाँ पर केवल और केवल फलाय में एक फल की बात हो रही है, यहाँ पर फलेब्य में बहुत सारे फलों की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फलेब्य स्प्रियति। पंचतंत्र रचना अस्ति, पंचतंत्र रचना है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। इसके बाद में अलंकार इत्यस्मिन् शब्दे कह लिंग प्रयुक्तम, अलंकार शब्द में कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है? तो अलंकार में पुल्लिंग प्रयुक्त हुआ है। मूल्यांकन से तकनीकी विशेषता अस्ति, मूल्यांकन की तकनीकी विशेषता है। मूल्यांकन करते समय आप वैधता का भी ध्यान रखोगे, प्रश्न पत्र निर्माण के समय उसकी विश्वसनीयता का भी ध्यान रखोगे,
वस्तु निष्ठता का भी ध्यान रखोगे और उसकी व्यापकता क्या है उसका भी याद रखना अनिवार्य होगा। विभेदकारिता का और मानकता का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए मूल्यांकन की तकनीकी विशेषताएं ये सभी सिद्ध हो जाती हैं। अगला सवाल है तुलनात्मक अध्ययन से करते उपयोगी भवती, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो जहां पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहां पत्रक काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है पाठ्यचर्यायाम समये समये परिवर्तनम आवश्यकम, यानी कि पाठ्यचर्या में समय समय पर परिवर्तन आवश्यक है। एतेन ऐसा करने से छात्र व्यग्र हो जाएंगे, छात्र प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, विद्यालय से शिक्षा प्रभावशाली भविष्यति, विद्यालय की शिक्षा प्रभावशाली हो जाएगी। कक्षायाम अध्यापक से आवश्यकता नहीं भविष्यति, कक्षा में अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी। पाठ्यचर्या में समय समय पर परिवर्तन करते रहने से ध्यान रखिएगा छात्र व्यग्र ने भविष्यन्ति छात्र व्यग्र नहीं होंगे, छात्र प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, विद्यालय की शिक्षा प्रभावशाली हो जाएगी। तो पाठ्यचर्या में अगर समय समय पर परिवर्तन किया जाए तो यहाँ पर जो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था है, ये विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर यही पढ़ा जाए। सत्य कथनम चिन्हुत, सत्य कथन का चयन करना है। भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम भाषा एव भवति, भावों की अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम साधन क्या है, भाषा ही होती है। और संस्कृत भाषा व्याकरण निष्ठ भाषा तथा संश्लेषणात्मक भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा व्याकरण निष्ठ भाषा होती है तथा संश्लेषणात्मक भाषा होती है। अगला है संस्कृत भाषा लोक व्यवहार से भाषा तथा विश्लेषणात्मक भाषा नास्ति, यानी कि संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा नहीं है और विश्लेषणात्मक भाषा भी नहीं है, क्योंकि कैसी है, संश्लेषणात्मक भाषा है। यानी कि संश्लेषणात्मक भाषा है तो विश्लेषणात्मक भाषा नहीं है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर क्या माना जाए, इसका सर्वे सम्यकानि सन्ति, सभी सही हैं। अगला सवाल है द्वयो विकल्पयो एकम चयनम, यानी कि दो विकल्पों में से एक का चयन करना। प्रश्नस्य प्रकारम अस्ति, प्रश्न का प्रकार है। जब दो विकल्प तुम्हें दे दिए जाएंगे उनमें से किसी एक प्रश्न एक विकल्प का चयन करना है तो वो किस में आ जाएंगे, अन्यतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्नों में पढ़े जाएंगे। अगला है विश्लेषणात्मक विधि अस्ति, विश्लेषणात्मक विधि है। विश्लेषण करते हुए अगर कक्षा में पढ़ाया जा रहा है तो वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। हर भारतीय पंचपदी विधि गुणम नास्ति, हर भारतीय पंचपदी विधि का गुण नहीं है। तो हर भारतीय पंचपदी विधि का गुण नहीं है, पाठ्यक्रम उचित समय पूर्णम करोति, देखो हर भारतीय पंचपदी विधि के गुण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो पाठ्यक्रम उचित समय पूर्णम करोति, पाठ्यक्रम को उचित समय पर पूरा करती है, नहीं करती है। विधि अयम मनोवैज्ञानिकताया अनुसरणम करोति, हर भारतीय विधि मनोवैज्ञानिकता का अनुसरण करती है, बिल्कुल करती है। अर्जित ज्ञानेन साकम, अर्जित ज्ञान के साथ साथ प्रस्तुत ज्ञान से संबंध स्थापनम करोति, अर्जित ज्ञान के साथ साथ प्रस्तुत ज्ञान का संबंध स्थापन करती है, बिल्कुल करती है। और उत्साह वर्धनम करोति, बिल्कुल छात्रों का उत्साह वर्धन करती है। तो ये कह रहा है ये तीनों तो गुण हो गए लेकिन ये गुण नहीं है, गुण नहीं है, ये दोष है, क्योंकि पाठ्यक्रम को उचित समय पर पूरा नहीं करती है और ये गुण नहीं है। तो बराबर राइट आंसर यही पढ़ा जाए। श्रुत लेखने द्वितीय वाचने छात्रा कुर्वन्ती, श्रुत लेखन में द्वितीय वाचन में छात्र करते हैं। तो प्रथम वाचन में छात्र सुनते हैं, द्वितीय वाचन में लेखन कार्य करते हैं, लेखन की क्रिया करते हैं और तृतीय वाचन में त्रुटि संशोधन करते हैं। लेखन शीघ्रम सुंदरम शुद्धम च विधातुम, खाली जगह आवश्यकता भवति, लेखनम शीघ्रम सुंदरम शुद्धम च विधातुम, लेखन को शीघ्र सुंदर और शुद्ध बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभ्यास की, है ना। लेखन शीघ्र लिखा जाए, सुंदर लिखा जाए और शुद्ध लिखा जाए, इसके लिए हमको बार बार अभ्यास की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है भाषा या ध्वन्यात्मक रूपम भवति, भाषा का ध्वन्यात्मक रूप होता है। तो भाषा का जो ध्वन्यात्मक ध्वनि जिसमें निकलती है वो कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है, भाषा का ध्वन्यात्मक रूप। और लिपिबद्ध रूप होता है लिखित रूप। भाषण कौशल से प्रयोजनम अस्ति, भाषण कौशल का प्रयोजन है। तो भाषण कौशल का प्रयोजन क्या है, भाषण कौशल का प्रयोजन है कि स्पष्ट एवं दोष रहित उच्चारण होना चाहिए, छात्रों में एकता की भावना पनपनी चाहिए और छात्रों का मनोरंजन भी किया जाना चाहिए, इसलिए सभी इसके क्या हो गए, प्रयोजन हो गए। छात्र कृत उपयुज्यमानम विधि रस्ति, छात्र कृत उपयुज्यमानम, छात्र के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है,
जैकाटॉट विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि या रूपरेख अनुकरण विधि। देखो जैकाटॉट विधि भी बालक की होती है, बालक जिन चरों को जानता है अध्यापक उन चरों को सुनकर के लिख देता है। स्वतंत्र अनुकरण विधि ये भी छात्र की होती है, स्वतंत्र अनुकरण को भी छात्र काम में लेता है। रूपरेखा अनुकरण विधि, जैसा रूपरेखा बना दी गई है बालक उसके अनुसार कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर क्या माना जाए इसका, एतानी सर्वाणी, ये सभी। 1986 तमे वर्ष से कौन सी शिक्षा नीति संगठिता, 1986 ईस्वी वर्ष में कौन सी शिक्षा नीति संगठित हुई थी, द्वितीय शिक्षा नीति संगठित हुई थी। पाठ्य पुस्तक छात्रेशु, पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों में रटन की प्रवृत्ति आती है, बिल्कुल आती है। समीक्षात्मक और आलोचनात्मक शक्ति प्राय लुप्त हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। व्याकरण से क्रमबद्ध ज्ञान से अभाव दृश्यते, पाठ्य पुस्तकें अगर बालक पढ़ रहा है तो व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, एतानी सर्वाणी। सस्वर वाचनम सर्वथा, सस्वर वाचन हमेशा क्या करता है, अर्थ ज्ञान पूर्वकम भवति, सस्वर वाचन हमेशा अर्थ ज्ञान पूर्वक होता है। आपके पास 91 नंबर का जो सवाल, जो आपके मैथ्स में पहला ही सवाल था रीट लेवल फर्स्ट का मैथ्स का, वो था एक से लेकर 3257 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी, अंकों की संख्या। तो एक बार देखेंगे अंकों की संख्या। देखो जैसे कि अगर हम बात करें एक से लेकर के 9 तक, तो इतने दूर तक कितने अंक हैं, टोटल 9 ही अंक हैं, क्योंकि सभी संख्या एक अंकीय हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहाँ तक है, 9 तक। फिर आगे 10 आएगा, लेकिन 10 के बाद आप देखेंगे ध्यान से कि अपने 2 अंक स्टार्ट हो चुके हैं। 10 के बाद में कितने अंक स्टार्ट हो चुके हैं, 2। जैसे 11 में भी 2 अंक होते हैं, 12 में भी 2 अंक होते हैं, सबको मालूम है ना 2 अंक। इसमें ये एक अंक है, ये भी एक है, 9 तक भी एक है, लेकिन इसमें 2 अंक है, सबको मालूम है। तो यहाँ से लेकर के आगे कहाँ तक, 99 तक कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ तक टोटल 9 अंक ही हुए क्या, कितने अंक हुए भाई, 9 अंक हो गए। 9 अंक कहाँ तक हो गए, 1 से लेकर के 9 तक। अब हम बात करते हैं 10 से लेकर के 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक की बात करें तो टोटल संख्या कितनी होगी, पहले तो वो देखते हैं। तो संख्या होगी 99 में से ये 9 संख्या हटा दो, 9 हटा दोगे ना पहले के 99 में से ये 9 हटा दोगे तो कितना बचेगा भाई, 90 संख्या बचेंगी। क्या बचेंगी, 90 संख्या बचेंगी, ठीक है ना। अब अगर 90 संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अंक कितने हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, अरे भाई एक संख्या में 2 अंक हैं, तो टोटल 90 संख्या में कितने अंक होंगे, 2 से मल्टीपल कर देते हैं, कितने होंगे भाई, 180 अंक होंगे। ये 180 अंक हो चुके हैं, कहाँ तक हो चुके हैं, ये हमारे हो चुके हैं 99 तक, जबकि हमें ढूंढना है कहाँ तक, 3257 तक चेक करना है। इतनी बात समझ आई, तो चलो इससे आगे देखते हैं। फिर हम इससे आगे देखते हैं, 100 से आगे स्टार्ट करते हैं और 3 अंक कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है। बोलो सबको समझ आ रही बात, 100 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक, 999 तक देखते हैं। तो 999 तक टोटल कितने अंक हो जाएंगे, संख्या कितनी होगी, तो हम देखो भाई संख्या को अगर देखना चाहते हैं तो संख्या होगी कितनी, यहाँ देखो 999 है ना, उसमें से 99 तक की संख्या, यहाँ से पहले की संख्या हटा दो तो हम करेंगे 999 में से 99 घटाया, कितनी संख्या बच गई भाई, 900 संख्या बच गई। बात समझ में आ रही है भाई, 900 संख्या बच गई है। अब 900 संख्या है लेकिन एक संख्या में 3 अंक हैं, जैसे 100 में क्या होता है, 100, 3 अंक हो गए ना, आगे 101 में भी 3 है, 102 में, 199 तक 3 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो बोलो कितने होंगे, 900 + 2700। मेरी बात समझ आ रही है, दोबारा समझ लेना, अरे 1 से लेके 9 तक तो एक एक अंक थे तो 9 ही अंक हैं, 10 से लेके 99 तक टोटल 90 संख्या है और एक संख्या में 2 अंक हैं, तो 90 संख्याओं में टोटल अंक कितने हो गए, 180। यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक कितने हैं, 900 हैं, और 900 संख्या में एक संख्या में 3 अंक हैं, है क्या, तो 3 है तो 900 + 2700 अंक ये हो गए, 180 अंक ये हो गए और 9 अंक ये हो गए। अगर हम देखा जाए तो 999 तक टोटल अंकों की संख्या होगी इन तीनों का जोड़। बोलो इतनी बात समझ आई है ना, तो हम देखते हैं 2700 और एक 2800 और इनको जोड़ा तो 2889 अंक हो गए, कितने अंक हो गए, 2889 अंक हो गए। इतनी बात समझ आई क्या, अब देखो हमें 2889 अंक तो मिल गए, लेकिन हमें कहाँ तक जाना था, 999 तक थोड़ी जाना था, ये तो हमने 999 तक ही चेक किया है, हमें जाना है 3257 तक।
तो 3257 कहाँ आएगा, वो आएगा 1000 से ऊपर, चार अंकों की सीरीज चलेगी ना, जैसे कि 1000, फिर 1001, फिर ऐसे चलते चलते और फिर 3200 कहाँ तक, 57 पूछा है ना, 3257 तक। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इससे पहले के जो अंक है ना कितने हैं, वो 999, एक से लेके 999 यहाँ तक की संख्या घटा देंगे तो इससे आगे कितनी संख्या बच जाएंगी वो हमें पता चल जाएगा। तो 3257 में से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्या है, 3257, इस 3257 में से 999 हटाओ, 999 हटा दोगे तो ये चार अंकों की संख्या बच जाएंगी, कितनी आएंगी यहाँ तक, तो हम हटाते हैं भाई 3257 और उसमें से माइनस करते हैं 999, तो देखो 9 और कितना बचता है बोलो, 17 में से गया बराबर 8 बच गया, फिर यहाँ कितना 14 में से 5 गया बराबर कितना बच गया, 9 और 5 14, ठीक है ये बच गया 5, और फिर यहाँ बोलो 31 में से 9 गया तो 2258 कितना बच गया, 2258। तो यानी कि 2258 संख्या और है आगे, तो 2258 संख्या वो कौन कौन सी है, वो है 1000, 1001, 1002 ये संख्या है, तो इन संख्याओं में चार अंक हैं टोटल, ये चार अंकीय संख्या है, तो एक संख्या में चार अंक है तो 2258 में कितनी होंगी, तो चार से गुणा कर दें, 8 चौका 32 का 2, 5 चौका 20 और 3 23 और 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 और 4 दूनी 8 और 2 9, तो 9032 हो गए, मेरी बात समझ में आ रही क्या, 9032। अब इन 9032 ही होते हैं क्या, इनको हम जोड़ते हैं, ये अंक कहाँ तक है आगे तक, इससे पहले अंक कितने आए हैं, इससे पहले हमने जोड़े थे 2800 इतने अंक है ना, तो इन सबको टोटल कर दो 9032 और प्लस इतना, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 11921 आ जाएगा, ये हमारा पहला इसके अंदर आंसर है, सबको समझ आ गई होगी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसकी ओर, देखो एक बार, एक संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित है, एक संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आप ऐसे समझना कि कोई संख्या मान लो 16 है, तो 16 से कौन कौन विभाजित होगा, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48 और इससे पहाड़ा आगे चलेगा, यानी 16 की टेबल होगी वही 16 से विभाजित होगी, अनंत तक जो भी संख्या है जिसमें 16 का भाग जाएगा यानी 16 का पहाड़ा। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 84 से विभाजित है इसका मतलब वो 84 का पहाड़ा है, 84 एक कम 84, 84 दूनी 168 और आगे ऐसे चलता चलता 84 का पहाड़ा है ना। दूसरी बात, अगर किसी संख्या का भाग इस 2 का भाग 16 में जाता है तो फिर आगे जितनी भी संख्या है ना जो 16 से डिवाइड है उन सब में जाएगा, 2 का भाग 16 में जाता है तो 16 के पहाड़े में जाएगा, 4 का भाग 16 में जाता है तो 16 के पहाड़े में जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 84 में किसी संख्या का भाग जाता है, जैसे कि 42 का भाग 84 में जाता है, अगर 84 में जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा जिसका भाग, जिसमें 84 का भाग जाता है, बात समझ आ रही ना, ठीक है। तो हमें देखो क्या लिखा है, अच्छा हाँ एक बार ये और समझ लेते हैं, अपवर्तक शब्द क्या होता है, अपवर्तक ये देखो जिनका भाग जाता है, 16 की बात करें ना, 16 में 2 और 4 का भाग जाता है तो 2 और 4 16 के अपवर्तक हैं, ये क्या है भाई, 16 के अपवर्तक हैं है ना, और जैसे 16 का भाग इन सब में जाता है तो 16 का भाग जिन में जाएगा, ये सारी संख्या 16 के लिए अपवर्त्य हैं, क्या है ये, अपवर्त्य है, बात समझ, अपवर्त्य और अपवर्तक दो होते हैं, तो अपवर्त्य वो संख्या होती है जिनमें भाग जाता है और अपवर्तक वो होता है जिनका भाग जाता है। तो देखो हमें बोला वह संख्या निश्चित रूप से 21 की अपवर्तक होगी, 21 की अपवर्तक होने का मतलब समझता है कि 21 की अपवर्तक का मतलब, 21 की अपवर्तक कौन है भाई, 7 होगा, 3 होगा, 3 और 7 का भाग ही तो 21 में जाता है ना, तो 21 के अपवर्तक तो ये है। आप मुझे बताओ जिस संख्या में 84 का भाग जाता है क्या वो संख्या 21 से छोटी हो सकती है क्या, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वह संख्या 21 का अपवर्तक का मतलब 21 से छोटी संख्या, जबकि 84 का भाग किस में जाएगा, 84 से बड़ी संख्या में या 84 में, तो पहला ऑप्शन गलत। वह संख्या निश्चित रूप से 15 से विभाजित होगी, आप मुझे बताओ 15 का भाग 84 में जाता है क्या, अगर 84 में जाता तो इन सब में भी जाता, तो इसका मतलब 15 का भाग 84 में नहीं जाता है तो इनमें भी नहीं जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तीसरा भाग,
वह संख्या सात चौदह अट्ठाईस बयालीस की अपवर्त्य होगी। अपवर्त्य का मतलब वो जो संख्या होगी ना उसमें सात का भाग जाएगा, चौदह का भी जाएगा, अट्ठाईस का भी जाएगा, बयालीस का भी जाएगा। क्या इन सभी संख्याओं का भाग चौरासी में जाता है क्या? अगर चौरासी में जाता है तो उनमें भी जाएगा। तो आप देखो सात का भाग चौरासी में, हाँ बारह सात चौरासी, चौदह चौदह छः चौरासी, है ना, अट्ठाईस तीय चौरासी, बयालीस दोनों चौरासी, हाँ भाई सबका चौरासी में जाता है, इट मीन्स उस संख्या में जाएगा। हाँ ये वाला ऑप्शन सत्य है। इतनी बात समझ आई क्या? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। 21 की पावर 21, 21 की उसकी पावर 21, फिर तीन तीन बार पावर लगी है और इनमें इकाई का अंक। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन, शायद कर भी लिया होगा आपने, बहुत जल्दी कर लिया होगा, फिर भी देखो। देखो जिन संख्याओं का इकाई का अंक एक होता है, जिन संख्या का इकाई का अंक एक होता है उसके ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका इकाई का अंक फिर भी एक ही आएगा, मतलब उसको कितनी बार ही गुणा कर लो एक ही आएगा, इट मीन्स इसका इकाई का अंक तो एक आएगा। फिर आ गया है प्लस का निशान, प्लस का निशान। जिन संख्याओं का इकाई अंक पाँच है उसके ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, पाँच के ऊपर पावर लगाते जाओगे, दो तीन चार पाँच, कितनी भी पावर के ऊपर पावर, उसमें क्या रहेगा भाई? पाँच ही रहेगा। जिन संख्याओं का इकाई अंक छः है वो छः रहते हैं, जिन संख्या का इकाई अंक जीरो है वो जीरो रहते हैं, यानी ये चारों अंक वो हैं जो नो चेंज है, आपने पढ़ रखा होगा। तो इसका मतलब इन सबको सॉल्यूशन करने पर इसका तो एक आएगा, इसका पाँच आएगा और इसका छः आएगा और चार जीरो वाले का जीरो, तो छः पाँच ग्यारह एक बारह, और बारह में इकाई का अंक कितना है? दो है। बात समझ में आई क्या? बहुत ही आसान था। तो पिछले वाले का उत्तर तो आपने देखा था ये था, और इस वाले का उत्तर आपका कितना आया भाई? दो आया। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपए है और वह एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है वह उसका क्या होता है? विक्रय मूल्य होगा, है ना। ओके तो यहाँ देखो, तो दुकानदार विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर हानि होती है। ये हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन इस सवाल में क्या दे रखा है? इस सवाल में दे रखा है कि विक्रय मूल्य के ऊपर हानि हो रही है, है ना। तो 12.5%, है ना, ये प्रतिशत नहीं लगा रखा है इसमें, सॉरी सवाल में होगा। 12.5% का मतलब कितना होता है? अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 1/8 होगी। कैसी होगी? 12 सही 1/2%। तो यहाँ 12 × 24 एक 25/2, और प्रतिशत हटाओगे तो बटा में कितना जाएगा भाई? 100 आ जाएगा, है ना। तो गुणा करो 25 × 100 और काटोगे तो ऊपर 1 × 4 = 8, 1/8 भिन्न बनेगा। हमेशा क्या होता है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, यानी नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। लेकिन इस सवाल में नीचे वाला क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या भी विक्रय मूल्य है। कैसे पता चला? लैंग्वेज में दे रखा है कि विक्रय मूल्य के 12.5% के बराबर हानि है, तो विक्रय मूल्य पर हानि, तो 8 क्या है भाई? विक्रय मूल्य है। 8 क्या है? विक्रय मूल्य। अगर 8 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? आप सोचो, हानि हुई है उसका निश्चित है, इसका मतलब हानि हुई है एक की, और 8 में बेचा, 8 में बेचने पर 1 का घाटा, तो 9 में खरीदा था, इसका मतलब 9 क्या है उसका? 9 है उसका क्रय मूल्य। बात समझ आ रही क्या? 9 क्या है उसका क्रय मूल्य, यानी 9 रुपए में खरीदा था, 8 में बेच दिया, घाटा हो गया 1 का। लेकिन वो 1 का घाटा किस पे होना चाहिए था? 1 का घाटा 9 पे होना चाहिए था, ये तो थी सही बात। इसने क्या बना दिया? 1 का घाटा 8 पे, ये इसने गलत कर दिया, क्योंकि यही तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर बता दी उसने। चलो ठीक है, जो भी कर दिया। हमें क्या मतलब है? हमें तो पूछा यह है कि उसकी हानि ज्ञात करो। अच्छा भाई ये क्या दे रखा है? ये हमें क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य 8 होगा या 9 होगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 के बराबर क्रय मूल्य होगा और 1 के बराबर, ये 1 क्या है भाई? हानि है। बात समझ आ रही क्या? ये 1 हानि है, ठीक है। तो हमें हानि तो निकालनी है, यानी हमें 9 का मान दिया गया है और 1 का निकालना है, तो 9 के बराबर कितना होगा? 9 के बराबर होगा 144। कैसे होगा? ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो 1 के बराबर कितना होगा? 16 × 144, यानी 16 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को क्रम से लगातार 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है, तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे? देखो एक बार, एक संख्या को 3, 4, 5 से विभाजित करने पर ये शेषफल प्राप्त होता है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे। एक संख्या को 3 से, फिर 5 से और फिर 4 से ऐसे डिवाइड किया, शेषफल इधर लिखते हैं 1, 2, 1 ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे लिखते हैं, इनका भाग दिया और ये शेषफल बचा। तो लास्ट का भाग दिया था ना, वो संख्या देखो 4 का भाग दिया था, तो 4 का भाग लास्ट में कितनी बार गया? कम से कम 1 बार गया, हम ऐसा मानते हैं,
ठीक है ना, लास्ट में भाग जाते जाते लगातार भाग में भाग देते जाते एक बार गया, तो वो संख्या इसको इससे गुणा करना है, चार एक कम चार और एक ये बच गया, कितना आ गया पाँच, इससे ऊपर की संख्या पाँच है। ऐसे सेम इसको करना है, पाँच पंजो पच्चीस और दो सत्ताईस, तो यहाँ वाली संख्या आ गई सत्ताईस, ठीक है। फिर देखो इससे आगे सत्ताईस दिया इक्यासी और एक बयासी, बयासी क्यों, देखो शेषफल जुड़ेगा, ये वाला शेषफल है ना जुड़ता चलेगा, इधर वाला ये गुणा होगा, तो संख्या आगे भी बयासी। हमें पूछा है उस संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ दे रखा है 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, अरे वो संख्या बयासी है और उसमें 15 का आप भाग देते हो तो 15 5 75 और शेषफल कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, हमें यही तो पूछा था, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके भाई इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक खंभे को 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की टोटल लंबाई याद करो, है ना। तो देखो भाई हम कैसे करते हैं इसको, ये जो भिन्नों वाली संख्या अगर आपके सामने कभी भी आए, 1/3 आ गया, 2/5 आ गया और फिर आगे 10 मीटर और है, है ना, तो देखो ये हमें अलग अलग दे रखा है, क्या करते हैं इन बट्टा वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ले करके क्या करते हैं वो संख्या हम टोटल मान लेते हैं कि भाई टोटल लंबाई इतनी है, है ना। तो देखो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 15, तो 15 का 1/3 और उसी का 2/5, है ना, तो समझना हम मानते हैं कि टोटल लंबाई 15 है, तो 15 का 1/3 1/3 निकालो भाई, 1/3 निकालोगे ना तो 1/ कितना आ जाएगा, 15 का कितना आ जाएगा भाई, 15 का 1/3 बराबर कितना आया 5 आ गया क्या, तो ये 5 जो है ना 15 अगर मानते हैं टोटल, 15 में से 5 कौन सा भाग है, 1/3 जो भाग कीचड़ में है, बात समझ में क्या, तो कीचड़ में जो भाग है वो 5 के बराबर होगा। फिर चलते हैं उसका 2/5, तो 15 का 2/5 भाग कितना होगा, 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6, यानी कि 6 भाग जो है ना वो 6 भाग क्या है, 2/5 भाग पानी में है, बात समझ में क्या, तो 5 भाग तो आ गया भाई कीचड़ में, 5 भाग तो आ गया कीचड़ में और 6 भाग आ गया किसमें, पानी में, 5 और 6 = 11 बच गया कितना 4, 4 कैसे, टोटल हमने 15 माना था तो 5 और 6 = 11 के बाद बच गया कितना 4, वो 4 जो बच गया है वो 10 मीटर पानी के ऊपर है, है ना, तो 4 के बराबर 10 है, 4 के बराबर कितना है 10 है, कैसे है सबको समझ में आ गया होगा, तो 1 के बराबर कितना होगा 10/4, हमें कितना निकालना है भाई, हमें निकालना है 15 के बराबर, टोटल हमने कितना माना 15, तो 15 के बराबर निकालना है तो 15 से गुणा कर दो, ठीक है भाई, तो इसको काटा तो कितना आ गया भाई 15 × 2 = 30 और 37.5 आ गया, यही आपका आंसर है, इसमें 37.5 है क्या, हाँ 37.5 एक ही बात है, बात समझ में आई क्या। चलो भाई यहाँ तक कंप्लीट, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट देखो x माइनस वाई और वाई माइनस एक्स का योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम होता क्या भाई, आपने पढ़ रखा होगा योज्य प्रतिलोम का मतलब है अगर कोई संख्या 5 संख्या प्लस की है तो उसी के बराबर माइनस की संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है, यानी उसको माइनस कर दो बस, उसके आगे माइनस का निशान लगा दो, अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसके आगे क्या लगा दो प्लस कर दो, कहने का मतलब क्या है उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको माइनस से गुणा करना, अगर ये संख्या प्लस की थी और इसको माइनस से गुणा करेंगे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसको भी अगर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना, माइनस को प्लस कर देना प्लस को माइनस कर देना। तो आप मुझे बताओ एक्स माइनस वाई बटा वाई माइनस एक्स, देखो ध्यान देना एक्स माइनस वाई बटा वाई माइनस एक्स का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि इसको माइनस बनाओ, अरे यही तो है ना, वो तो प्लस की थी पूरी संख्या, पूरी का मतलब जैसे इसको पूरा कोष्ठक बन गया ये, तो इसके बाहर एक माइनस का निशान लगाएंगे तभी तो इसका उल्टा होगा ना, लगा दिया ये माइनस का निशान, इसके साथ अंदर गुणा होगा, अंदर गुणा होगा तो एक्स तो हो जाएगा माइनस का और वाई हो जाएगा प्लस का, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का होता है और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम दोबारा चलो पूरा लिखता हूँ मैं, ये होगा माइनस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई और बट्टा में नीचे क्या है वाई माइनस एक्स। अब मुझे बताओ क्या ऊपर वाला वाई मैं इधर लिख दूँ और माइनस एक्स उधर लिख दूँ, तो ऐसा लिख दूंगा तो वाई माइनस एक्स और नीचे भी क्या है वाई माइनस एक्स, दोनों सेम सेम है
अगर दोनों सेम है तो कट के कितना आएगा, एक उत्तर आएगा। इसका आंसर होगा जी, कहाँ ऑप्शन में गया, एक हो गया। बहुत अच्छा, एक वर्ग का विकर्ण विकर्ण जो है ना वो कितना है, वो है भाई रूट 162 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये हमारे पास सवाल है ना। तो अगर हमें ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, रूट 162 सेंटीमीटर दिया गया है, तो देखो क्या करेंगे, पहले तो ये बताओ विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण, सबको मालूम है भाई रूट 2 गुणा भुजा होता है, और रूट 2 गुणा भुजा का मतलब होता है विकर्ण, और विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा, तो इसके बराबर कितना लिख सकते हैं, रूट 162 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं क्या, तो रूट 162 आपने लिख लिया। ओके, अब देखो तो हम क्या करते हैं, भुजा अगर हमें निकालनी हो तो भुजा बराबर हम क्या करेंगे भाई, रूट 162, रूट 162 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, रूट 81, और रूट 81 का मान कितना होता है 9। कैसे आया सबको समझ में आ रहा है, अरे काट दिया 81 दूनी 162 आ गए ना, तो ये काटने पर आया 9, यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और वर्ग का हमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल, जो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा है 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो इससे आगे का जो सवाल है वो है साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का सवाल, निश्चित राशि को निश्चित वार्षिक दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये, यदि अगले 6 वर्ष के लिए दर को 3 गुणा कर दिया जाए तो टोटल 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, देखो इधर ये है 6 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने समय का, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है क्या, अगले 6 वर्ष का भी 800 ही रहेगा। एक मिनट, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनना एक बार ध्यान से, अगर इसने तो सवाल में कहा है कि अगले 6 वर्ष में 3 गुणा कर दें, एक बार 3 गुणा नहीं करते, ऐसे चलते हैं, 6 वर्ष में साधारण ब्याज हमेशा बराबर बढ़ता है ये सबको मालूम है, तो 6 साल में 800 है तो अगले 6 साल में भी 800 ही रहेगा, लेकिन अगले 6 साल में उसने दर बढ़ा दिया, अगर रेट 3 गुणा कर दिया तो ब्याज भी 3 गुणा मिलेगा, अगर मूलधन 3 गुणा कर देते हैं तो भी, मतलब मूलधन समय किसी को भी जितना गुणा करते हैं उतना गुणा ही क्या होता है, ब्याज भी बढ़ता है। तो सीधी सी बात है, अगले 6 वर्ष के लिए मूलधन या दर को 3 गुणा किया है तो दर को 3 गुणा तो दाम भी 3 गुणा, समझ मेरी बात। अगर 1% रेट पे पैसा लेते हैं, मान लो 800 रुपये, तो 3% करेंगे तो भाई सीधी सी बात है 1% का 800, फिर 1% का 800, 1% का 800, 3% का कितना, टोटल 2400 रुपये हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगले 6 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 2400 रुपये होगा, और पहले 6 वर्ष का कितना होगा, 800, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2400 और 800 कितना हो जाएगा भाई, 3200 रुपये हो जाएगा। हमारा बस यही आंसर पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, 3200 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और भाग देना है x प्लस 3 में, शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहली बात एक चीज़ सीखनी हमें है ना, शेषफल क्या होता है वो सीखना है। अगर मैं 24 में भाग दे दूं 6 का और 6 चौके 24 पूरा पूरा चला गया और नीचे शेषफल बच गया जी 0, ये 0 कब बचता है, जब भाग पूरा पूरा चला जाता है ना। अगर मैं 25 में देता इसी का 6 का भाग, 6 का भाग 6 चौके 24, तो नीचे कितना बच गया रे, 1 बच गया, बचा ना। आप जरा काट लाइन संख्याओं को, 24 को ऊपर रखो और 6 को नीचे रखो, यहाँ 25 को ऊपर रखो और 6 को नीचे रखो, देखो ध्यान दो, अगर आप पूरा पूरा कट जाता ना 6 चौका 24 कुछ भी नहीं बचा, 6 चौका 24 पूरा पूरा कट गया कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा, मतलब शेषफल 0। एक सीधी बात, अगर संख्या पूरी कट जाए तो शेषफल 0 है। यहाँ देखो 25 को काटो 6 चौक 24 कुछ बच रहा है तो वो शेषफल है, मेरी बात समझ आ रही क्या, ऐसे सीधा मतलब इस बात का ये है। तो हमें देखो यहाँ पर यही समझना है, ये था भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और इसमें भाग देना x प्लस 3 का, भाग बाद में देंगे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये द्विघात समीकरण, इसके दो टुकड़े करते हैं और वह दो टुकड़े इन दोनों के गुणा के बराबर होने चाहिए, तो इसके दो टुकड़े बोलो कितने कितने हो सकते हैं। देखो इसका हो सकता है 1x प्लस 6x, तब कितना होगा 6 और 1 7x हो जाएगा जुड़ के, लेकिन गुणा होके 12x होना चाहिए, इनका गुणा 12 ना, तो गुणा तो नहीं हो रहा, 6 एकम 6 रहेगा, 2x प्लस 5x, ऐसा अगर करते तो 5 गुणा 2 बराबर 10 ही होता, तो 3x प्लस
चार एक्स बराबर जोड़ के तो साथ ही आ रहा है, लेकिन गुणा देखो तीन और चार का गुणा 300 का 12, हाँ ये ठीक है 12 होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये टुकड़ा हो गया तीन और चार का। तो यहाँ देखना भाई, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं और इसके टुकड़े हमने कर ही लिए। ठीक, देखो भाई क्या है कि इसमें हम करते हैं इसके टुकड़े, आपने समझ लिए कैसे कैसे करने हैं, 3x प्लस 4x 12 हो जाएगा है ना, और प्लस 12 और इधर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आएगा और इसमें से कुछ कॉमन आएगा है ना, तो ये आ जाएगा x और x कॉमन आके आ जाएगा x प्लस 3 और इसमें से कॉमन आएगा प्लस का 4 और x प्लस 3। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आएगा, तो पूरे में कॉमन आएगा भाई x प्लस 3, ये देखो इसमें से और इसमें से, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। ये हमारे पास इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो ये आया है, आया है। अब ये संख्या ऐसी आई है, ये यहाँ पे निशान नहीं है मतलब गुणा में है। अब इसमें भाग देना था इसका, तो इसके नीचे भाग देता हूँ मैं x प्लस 3 का, x प्लस 3 का भाग देते हो, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। अगर कोई संख्या कट जाए, कट जाए इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल आएगा 0। बात समझेगा, पूरी पूरी कट जाए, नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कटने का मतलब है शेषफल 0, ठीक है ना। तो यहां पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक देखो भाई हमें पूछा निम्न में सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। अरे दशमलव में सबसे बड़ी संख्या, देखो शुरू में देखो 0.0 तो बराबर है, फिर देखो बेहतर 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 बराबर है यहाँ तक, फिर बेहतर क्या देखो 5 5 5 5 यहाँ तक भी बराबर है, सब बराबर है। इसमें चलो 4 4 3 3 हमें पूछी बड़ी, अरे ये 3 3 आ रही है इसको तो छोड़ दो, छोटी हो गई। इनमें देखो 4 4 ये बराबर है, अब इसमें से कौन बड़ी है, इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे देखो यहाँ तक बराबर है 7 2 5 4 मतलब 72,543 तक क्या है, बराबर है इतना भी इसमें, लेकिन इसमें यहाँ पर 6 आ गया है और इसमें यहाँ पर 7 आ गया, देखो दिख रहा है क्या, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलो जी इससे आगे, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ निम्न में से क्या हो सकता है। तो देखो भाई एक खास बात होती है एलसीएम की, कभी भी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो उनका एचसीएफ है ना, एचसीएफ का भाग हमेशा एलसीएम में जाएगा, यानी अगर इसका एचसीएफ इनमें से कोई है तो वो वही है जिसका भाग 120 में जाता है। क्या 18 का भाग 120 में जाता है, 18 का पढ़ाना चाहिए उसके लिए, तो देखो आता है क्या आपको, 18 नहीं जाता, 16 24 5 120 24 का भाग जाता है, तो यही इसका एचसीएफ हो सकता है, भाग जाना चाहिए हमेशा जाएगा। दो संख्याओं का मैश है 8 है, उन संख्याओं का योगफल 96 है ना, तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। संभव युग्म देखो भाई कौन से होते हैं, ध्यान देना, मतलब कितने प्रकार की संख्या हो सकती हैं जिनका मैश 8 और योगफल 96 हो, तो हम क्या करेंगे 96 योगफल में भाग देंगे 8 का, और 8 का भाग देने पर आया 12, ठीक है ना, तो 12 भाग देने पर 12 के हम टुकड़े करते हैं, ये अनुपातों का योगफल आ गया है ना, अनुपातों का योगफल। तो अनुपात क्या क्या हो सकते हैं, मैं साइड में इधर बताता हूँ, देखो क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पर ये जो 96 में आपने भाग दिया 8 का और आया 12, ये 12 क्या आया, अनुपातों का योगफल। अनुपात क्या क्या हो सकते हैं, 1:11 अनुपातों का योगफल है ना, क्योंकि योगफल है, देखो यहाँ पे योगफल है तो योगफल ही आएगा, फिर 2:10 फिर 3:9 फिर 4:8 टोटल योगफल 12 होना चाहिए, फिर 5:7 और 6:6 यहाँ तक। अब यहाँ तक के ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें से ये अनुपात तो कटता है, तो ये कट के 2 1 2 और 2 5 10 1:5 हो जाएगा, तो और इनका योगफल 5 1 6 होगा, हमें योगफल 12 चाहिए, तो जो नहीं कटते हैं ना वही उत्तर होंगे। तो 3 और 9 कटता है, 4 8 कटता है, 6 6 कटता है, केवल 5 7 नहीं कटता और 1 11 नहीं कटता, ये दो ऑप्शन नहीं कटते हैं, इट मीन्स युग्मों की संख्या होगी 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, तो देखो सबसे पहली बात छोटा सा बना देता हूँ आपके लिए, ये है आयत और ऐसा कुछ होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और ये होता है जी वर्ग है ना, वर्ग, और ये होता है समचतुर्भुज, ठीक ओके। देखो क्या होता है,
सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। आयत ना, आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है ना, आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का देखो यहाँ पे हमें यह दिया जाता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की बात करूँ, समांतर चतुर्भुज क्या क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज जो परिभाषा चाहता है ना वो आयत के पास है क्या, है ना, आयत को हम कह सकते हैं क्या, तो यहाँ देखो समांतर चतुर्भुज कहता है भाई आमने सामने की मेरी तो भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी मैं तो समांतर चतुर्भुज बनूंगा, तो इसकी आमने सामने भुजा बराबर है, आयत बोलता हाँ भाई मेरी भी है, ठीक है। फिर बोला कि मेरे तो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर काटने चाहिए, बराबर मतलब जितना लंबा इधर का कटिंग होगा उतना उधर का, इसका अलग है लेकिन ये बराबर काटते हैं एक दूसरे को, अगर ऐसे बराबर काटते हैं तो आयत के भी तो बराबर काटते हैं, ठीक है भाई, ये भी बराबर काटते हैं। कोणों की ये कभी बात नहीं करता क्योंकि ये कितना झुका हुआ है और ज़्यादा झुका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं जितना भी है, ठीक है ना, तो कोण की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आयत की बात करें तो आयत में 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो तो 90 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन इसको बात देखो समांतर चतुर्भुज को इसको कहें कि ये आयत है, नहीं ये आयत नहीं है, लेकिन ये आयत भी है और ये समांतर चतुर्भुज भी है, यही तो कहता है कि आयत को समांतर चतुर्भुज कह दूं क्या, हाँ भाई कह दो, हो गया। दूसरा देखो, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, जैसे ये होता है वैसे ही सेम ये होता है, एक ही बात है, इसमें भी सेम ही वही, कोण की कोई बात नहीं करता, ये कहता है चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, ये बोला हाँ मेरे पास है। फिर बोला कि मेरे विकर्ण दूसरे काटने चाहिए, सेंटर में 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, सब चीज़ें इसके पास हैं, तो क्या होगा, वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, सम चतुर्भुज ये भी है, सम चतुर्भुज ये भी है, लेकिन वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग ये है, ये वर्ग नहीं है, यानी इसको हम सम चतुर्भुज कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, तो सम चतुर्भुज सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, हाँ भाई होते हैं। अब आगे सभी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज इनको कहते हैं, ये सम चतुर्भुज होते हैं, भाई इसकी तो लंबाई और भी हो सकती है, पता नहीं कितनी, हाँ बराबर भी हो सकती है लेकिन कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम सम चतुर्भुज तो नहीं कह सकते, सम चतुर्भुज तो फिक्स है कि चारों बराबर ही होनी चाहिए, इसकी तो छोटी बड़ी हो सकती है, तो ये कथन क्या भाई असत्य है, सभी सम चतुर्भुज समांतर होते हैं, हाँ सम चतुर्भुज, इसको सम चतुर्भुज को हम समांतर कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये तो बराबर ही होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हैं, ये कथन भी सत्य है, यानी हमें पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें असत्य है, ठीक है भाई। इससे आगे देखो, दो गोलों की त्रिज्या उसका अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², यही तो होता है, तो R1 मान लो दो गोले है ना, पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की 4πr² और दूसरे की मान लो R2 है, अरे दो गोले हैं, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की R2 है, अलग अलग त्रिज्या है, एक की त्रिज्या कितनी है भाई 2 है और दूसरे कितनी है 3 है, तो 4π तो कैंसिल ही है, बराबर है, R1 पहले की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, यानी 4:9 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, हो गया। चलो भाई इससे आगे देखो, n भुजाओं वाले एक समबहुभुज, n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1260 डिग्री है ना, ओके, तो अगर सभी अंतःकोणों की बात करें तो उसका फॉर्मूला है भाई n-2 × 180, और इसके बराबर हमें दिया गया है 1260। कैसे दिया है सबको समझ में आया, अरे एक n भुजा वाला कोई समबहुभुज है और उसके सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है n-2 × 180 होता है, तो इसके बराबर 1260 दिया है, तो हम इसको काटते हैं जी, ये 0 से 0 गया और 18 × 7 = 126, इधर कितना गया 7, n-2 की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू होगी 7 + 2, प्लस 2 क्यों, माइनस वाला 2 उधर जाएगा प्लस होगा, n की वैल्यू आ गई जी 9, 9 वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमें यही पूछा था कि उसके n का मान ज्ञात करो या भुजा की मान ज्ञात करो, भुजा उसमें कितनी है 9, उसका मान है अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, ऐसे बोलता है, तो नवभुज है वो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे देखो, इससे आगे है कि 50 से कितना है ये 90 तक की सभी, 90 तक टोटल है ना, सभी सम प्राकृत संख्याओं का
योगफल कितना होगा, ये यहाँ पूछा है इसका योगफल। तो देखो एक बार, हम चलते हैं 50, 51, 52, 53, ऐसे चलते चलते और कहाँ तक जाना जी, 90 तक जाना है ना। ठीक है, 50 से यानी 50 पे काउंट होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 90 में से 50 घटाते हैं। मान लो तो आपने 90 में से क्या घटा दिया, 50 तक पूरा घटा दिया, तो बच गई कितनी संख्या, 40 संख्या बच गई क्या, ये 40 संख्या टोटल बच गई। यहाँ से लेके 51 भी शामिल है, 52, 53, 54 सब है। हमें बोला कि ओनली सम, तो भाई 40 संख्या जो आगे की बची हुई है इनमें एक संख्या सम होती है, एक विषम, आदि सम है, तो 40 में 2 का भाग दे दो भाई, आदि सम है आदि विषम है, इसका मतलब 20 सम संख्या है क्या। तो यहाँ से आगे 20 सम संख्या है, लेकिन सवाल में कहा 50 से स्टार्ट करना, मतलब 50 में तो शामिल होना चाहिए, तो ये संख्या भी तो होगी, तो एक सम संख्या 50 भी है, 50 रे कितनी संख्या हो गई, 21 संख्या हो गई, बोलो हो गई क्या, 21 सम संख्या हो गई। हमें पूछा है कि इन सब का योगफल कितना होगा, तो देखो क्या होता है, योगफल होता है योगफल बराबर, है ना, योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या कैसे आया सबको मालूम होना चाहिए। अरे औसत निकालते हैं तब क्या करते हैं, औसत निकालते हैं ना, औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यही तो होता है ना। ये संख्या यहाँ है तो यहाँ से हटके मान लो हटा देते हैं एक बार, है ना, देखो योगफल बराबर औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, ये संख्या यहाँ से अगर जाएगी तो वहीं तो गुणा होगी ना, तो वहाँ बस मैंने वहाँ कर दिया और कुछ नहीं है, है ना। ठीक, तो यहाँ मैंने गुणा कर दिया भाई संख्या। ठीक, अब देखो संख्या तो अभी अभी आपने निकाली है, 21 है ना, तो फिर औसत कितना है, औसत होता है बीच का मान, 50 और 90 के जस्ट बीच का मान चाहिए, तो 50 प्लस 90 प्रथम प्लस अंतिम बटा दो, इन दोनों को जोड़ दो, 90 50 140 बटा दो बराबर कितना आता है 70, यानी ये आ गया भाई 70। अब इसको गुणा करते हैं तो 0 तो आ गया, 7 एकम 7 और 7 दुनी 14, 1470 कौन से ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है भाई, ओके, अब हम चलते हैं इससे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व एक पति पत्नी की औसत आयु, देखो भाई हम करते हैं बात 3 वर्ष पूर्व की, यहाँ बात करते हैं 3 वर्ष पूर्व और एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों की औसत आयु दे रखी है 24 वर्ष। औसत आयु का मतलब, औसत का मतलब एक का मान, तो अगर औसत आयु इतने तो दो जने हैं तो दो से गुणा कर दूंगा, तो टोटल आयु आ जाएगी 24 दुनी 48, दोनों की कितनी है 48। अब हम बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में ये होगा कि देखो 3 साल पहले की बात है, तो 3 साल पहले हस्बैंड भी 3 साल छोटा था और वाइफ भी 3 साल, तो वर्तमान की बात करें तो हस्बैंड भी 3 साल बढ़ गया प्लस वाइफ भी 3 साल बढ़ गई और 3 साल दोनों बढ़ गए, तो दोनों में 3 और 3 दोनों के योगफल में कितना जुड़ेगा 6, 48 और 6 54। वर्तमान में हस्बैंड वाइफ का योगफल कितना होना चाहिए, 54 वर्ष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई पहले 48 वर्ष था, 3 साल में पति भी 3 साल बढ़ा, पत्नी भी 3 साल बढ़ी, योगफल में कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, ओके, अभी बोला कि वर्तमान में एक चीज़ और दे रखी है, वो दे रखी है हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चा और है इनके, और इन तीनों का मिला करके औसत आयु 18 है। कितनी है औसत आयु 18 है, औसत मतलब एक का मान 18 है, तो तीनों का कितना होगा गुणा 3, अरे भाई जितने होते हैं उतने से तो गुणा करते हैं, तो 18 दिया कितना होगा 54। अरे वाह ये क्या कमाल हो गया, हस्बैंड और वाइफ दोनों का आयु का योगफल भी कितना है वर्तमान में 54 और बच्चे सहित भी 54 है। क्यों, क्योंकि बच्चे की आयु अभी 0 वर्ष है, उसमें कुछ जुड़ा ही नहीं, अभी जन्म लिया है या 2-3 का 5 दिन का है तो वर्ष पूरा नहीं हुआ, 0 वर्ष कहलाएगा ये, यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ 0 वर्ष हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में ये है, तो मैं इसका आपको एक डायरेक्ट चीज़ बता देता हूँ, देखो ऐसे कभी भी ये बना हुआ हो, है ना, ये ऐसे निशान बना हुआ है, तो यहाँ अगर मान लो ए डिग्री है और यहाँ अगर मान लो बी डिग्री है, है ना, तो देखो ये दोनों इसके इंटीरियर कोण है, इस डायग्राम के बीच में आते हैं, अंदर आते हैं, तो इसका जो ये बाहर का एक्सटीरियर होगा वो ए प्लस बी होगा, कितना होगा
ए प्लस बी होगा। ऐसा ही एक डायग्राम और आता है, वो डायग्राम देखना, ऐसा होगा, ऐसा करके इसी का पार्ट है, वो इसमें से ही निकलता है। तो अगर यहाँ कोई ए है, ये इनका इंटीरियर मतलब अंतःकोण है ए और बी, तो इनका अंत तो ये होगा, लेकिन हमें अंत नहीं चाहिए, हमें बाह्य चाहिए, है ना। तो बाह्य कितना होगा, ए प्लस बी होगा। कहने का मतलब अगर अंदर वाले दे रखे हैं तो बाहर वाला ए प्लस बी होगा, और बाहर वाले दे रखे हैं तो अंदर वाला देखें तो बाहर वाला, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि भाई हमें पूछा क्या था, इस सवाल में हमें ये पूछा है, ये वाला मान एक्स दे के पूछा है। तो हमें मालूम है टोटल पूरे की बात करें तो ये 360 डिग्री होता है, और 360 में से अगर हम ये वाला घटा देते हैं इधर वाला, तो इधर वाला कितना है, ए प्लस बी है। अगर हम ये वाला घटा देते हैं तो इसका मतलब वो वाला बच जाएगा, ठीक है। लेकिन 360 को देखो, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, तो 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। 2 पाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है वो पाई के रूप में दिया गया है ना, तो माइनस आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा भाई फर्स्ट ऑप्शन, ऐसा है 2 ऐसा ऐसा, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे। देखो ये एक पानी से भरी बाल्टी का भार 27 केजी है, जरा समझना, पानी से भरी बाल्टी का भार, ये पानी से यहाँ तक भरी हुई है और इसका भार टोटल कितना है, 27 केजी है। इस 27 केजी में क्या क्या है, इस 27 केजी में पानी का भार भी है और बाल्टी का भार भी है, शामिल है दोनों। सवाल कहता है कि इसे आधा खाली कर दिया जाए, आधा, तो इस बाल्टी का भार 15 केजी शेष रह जाता है। हम चलो मानते हैं इसको यहाँ तक खाली किया, ये आधा हो गया, अगर यहाँ तक करते हैं तो इसका भार कितना बच गया, 15 केजी शेष बचा। 15 केजी क्यों बचा, देखो कितना पानी कम हुआ, 27 से लेकर के 15 तक पहुँचा, 12 केजी वजन कम हो गया। इसका मतलब यहाँ जो पानी था उसका भार 12 केजी था, और जो नीचे पानी है उसका भार भी कितना है, 12 केजी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आधा खाली किया तो आधे का भार 12 है, तो नीचे वाले का 12, यानी कि टोटल पानी की बात करें तो 12 और 12 24 केजी हो गया। पानी का भार 24 केजी है और पूरी बाल्टी का भार 27 केजी था, तो भाई 27 केजी में से पानी का 24 घटा दो तो बाल्टी खाली है, उसका भार कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 3 केजी बचेगा, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 111 जो है अब वो है आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक, बहुत शानदार ये आपके प्रश्न बनाया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, कि ऐसा कौन सा उद्देश्य नहीं है, कि बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। तो ये है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित में क्या कराना, उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में छात्रों द्वारा किए गए प्रयोग के निरीक्षण के स्थान पर परीक्षक द्वारा छात्र की कॉपी को जांच कर अंक देने पर कौन से मूल्यांकन या परीक्षण अभाव दृष्टिगत होता है, कौन सा दृष्टिगत होता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकारिता और वैधता। ये बहुत शानदार प्रश्न आपके शिक्षण विधि में बना है, तो वह चौथा विकल्प होगा, वैधता। इसके बाद 113वां क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है, कि कथन संबंध है, वह ये कथन किससे संबंधित है, कि पोइनकेया से, सेल वॉक से, नेपोलियन से और लेविनिस से, मतलब किस विद्वान का ये कथन माना जाता है, तो ये सेबलॉक से माना जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। कितना शानदार प्रश्न है भाई शिक्षण विधि का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, भाई ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, यह निगमनात्मक विज्ञान है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित विज्ञान को क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। तो 114वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके क्या है, सही है। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प होगा कि यह निगमनात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, निगमनात्मक विज्ञान है। 114वां क्वेश्चन जो है इसका कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं आपके क्वेश्चन है 115 कि सामाजिक दायित्वों के कार्यों का महत्व बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक गणित स्रोत बेहतर होगा, कि विशिष्ट व्यक्तियों की वार्ताएं, मेले व पर्व,
वाचनालय और चिड़ियाघर। तो 115वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प से होगा कि मेले व पर्व के सामाजिक दायित्वों के कार्यों का महत्व बताने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक गणेश स्रोत बेहतर होगा। तो ध्यान में रखें कि मेले व पर्व होगा, तो दूसरा विकल्प सही होगा। फिर आपके क्वेश्चन है 116वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है। ठीक है ना, तो यह जानना कि विद्यार्थी किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, यह जानना कि इन त्रुटियों के कारण क्या हैं, यह जानना कि क्या इन त्रुटियों का किन्हीं अन्य त्रुटियों से संबंध है, और चार है विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि को जानने में के लिए। ठीक है ना, तो 116 जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प आपके सही होगा। ठीक है ना, कि ये असत्य है कि विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि जानने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा कि असत्य है, तो चौथा विकल्प जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके 117 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भैया ऐसा कौन सा है, तो शिक्षारात्मक जो आपके उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है, उन तीनों को ही माना जाता है कि प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण किया जाता है, कौशल की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों व दोष सुधारे जाते हैं, भाषा शिक्षण में छात्र के उच्चारण मात्र लेखन शब्दों की अस्पष्टता दूर करने का प्रयास किया जाता है। उपरोक्त सभी मतलब कि चारों की चारों विकल्प क्या होते हैं, सही होते हैं। 118वां क्वेश्चन है कि बड़ी संख्याओं के प्रयोग से बच्चों की तार्किक सोच में विकास होता है, संख्याओं से डरने की प्रवृत्ति बनती है, इकाई और दहाई में फर्क की समझ नहीं हो पाती, स्थानीय मान की अवधारणा नहीं बना पाती। तो 118वें क्वेश्चन का पहला विकल्प से होगा कि तार्किक सोच में विकास होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कक्षा 2 का छात्र 203 को 23 पढ़ता है और एक अध्यापक होने के नाते आप निम्न में से कौन सी गतिविधि चुनेंगे, मतलब वो 203 को ही 23 पढ़ दे तो कौन सी आप उसमें विधि चुनेंगे। कार्य पत्रकों द्वारा ड्रिल और अभ्यास कराकर, संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखकर, मनकों और डोरी से संख्या चार्ट को पढ़ाकर। भाई आप उसे किसके माध्यम से बताएंगे कि वो 203 को 23 ना पढ़े और उसका सुधार हो जाए। तो बहुत बड़ा मतलब शानदार प्रश्न है, ये व्यवहारिक प्रश्न है। ठीक है, तो इसका दूसरा विकल्प से होगा कि संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखकर उसे हम बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि इट्स ए 203 नॉट ए 23। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 120वां जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से आंकड़ों का चयन करें कि गाँव में सरकारी व प्राइवेट नौकरी करने वालों की संख्या, भारत की महत्वपूर्ण नदियों के नाम, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में छात्र व छात्राओं की संख्या, भारत के 10वें राष्ट्रपति का नाम और कक्षा के छात्रों का वजन। ये आपके 6 जो हैं वो दिए हैं कि इनमें से आंकड़ों का चयन करें। तो इसका पहला विकल्प से होगा कि 1, 3, 4, 6 ये सही कूट है। सबसे पहले गांव में सरकारी व प्राइवेट नौकरी करने वाले की संख्या, फिर है स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, तीसरा विकल्प, चौथा है कक्षा में छात्र व छात्राओं की संख्या, और छठा है कक्षा के छात्रों का वजन। तो मतलब ये जो क्रम है वो क्या है आपके, या ये कूट जो है वो सही है, 1, 3, 4। वह डेंगू को हिमोर्जिक बुखार भी कहते हैं, यह एक है कि डेंगू को हिमोर्जिक बुखार कहते हैं, ये क्या है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है कि ये एक विषाणु जनित रोग है। इसका पहला विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। 121 क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 122। ठीक है, और 122वां जो प्रश्न है वह है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। फिर इसके बाद मैंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष में 7 रोगों के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, निम्न में से कौन सी बीमारी का टीका मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। भैया ऐसा कौन सा टीका जो मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, डिप्थीरिया, खसरा, पीलिया, पोलियो। ठीक है, कि ऐसा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, बहुत शानदार प्रश्न है। 123 इसका तीसरा विकल्प सही है कि इसमें पीलिया सम्मिलित नहीं है, डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो इसमें क्या है, सम्मिलित है। फिर है मानव रक्त में RBC का मुख्य कार्य है, कि मानव रक्त में RBC का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, नाइट्रोजन का परिवहन, रक्त का थक्का, प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करना, निर्माण करना। तो 124वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही है कि ऑक्सीजन का क्या है, परिवहन। ठीक है, इसके बाद आपके 125वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से संबंधित है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से संबंधित है, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन। तो ये जो 125वां क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है कि ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से क्या है, संबंधित है। तो चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का सही है।
इसके बाद है आपके 126वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, कि राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। बड़ा शानदार क्वेश्चन कल्चर के जो हमारे सर हैं उनके एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने तैयार किया है कि लहरिया, बंधेज, पटका, चुंदड़ी। ठीक है, तो 126वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि बंधेज। ठीक है, ये राजस्थानी महिलाओं की क्या नहीं है, वेशभूषा नहीं है, लहरिया है, पटका है, चुंदड़ी है, लेकिन बंधेज नहीं है। फिर आपके क्वेश्चन 127वां, ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है ना। और ऋषभ जयंती जो है इसका दूसरा विकल्प आपके सही है कि चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण नवमी को, तो इसका क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। फिर है झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अगोटा आभूषण कहाँ पहना जाता है, गला, कान, अंगुली, हाथ, कि ये कहाँ पहना जाता है। तो 128वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि ये कान में पहने जाते हैं, चाहे झेला है, चाहे झमेला है, या चाहे पीपल पन्ना है, चाहे अगोटा है, सब के सब ये कान में पहने जाते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन है कि तालाब साई के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे सांझा के लिए शिकार गए बनवाई गई कहाँ है, मतलब तालाब साई जो झील है ना वो सांझा के लिए बनवाई गई थी शिकारगाह के लिए, कि कहाँ पर है। बहुत शानदार प्रश्न है, अजमेर, धौलपुर, जयपुर, बूंदी, तो ये आपके धौलपुर में है। और आपको पता है कि यहाँ पे काले गुलाब की कृषि की जाती है, तालाब साई जो है ना ये काले गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, कि कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 129वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि नेजा है, कि नेजा क्या है, कि रामदेव जी की चतुररंगी पताका, तेरे ताली नृत्य का भाग, रामदेव जी पचरंगी पताका, इनमें से कोई नहीं। तो 130वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प आपके सही है कि रामदेव जी की पचरंगी क्या है, पताका है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था, विद्याधर था, मंडन था, केशवदास था, लालचंद था, मतलब कितने शानदार प्रश्न है यार। ठीक है, कि इसका वास्तुकार कौन था, तो 131वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि मंडन था। कौन था, मंडन। वहीं राजस्थान का बिंडसर महल किस महल को कहा जाता है, कि ऐसा कौन सा महल है जिसे राजस्थान का बिंडसर कहते हैं। तो जैसे उम्मेद भवन महल, जग मंदिर महल, राज महल, बादल महल, तो 132वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है कि राज महल को कहते हैं, जो महाराणा राज सिंह ने बनवाया था उसको विंडसर महल कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आपके हैं जौहर मेला कब भरता है, भैया जौहर मेला कब भरता है, कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है, कि चैत्र कृष्ण नवमी को भरता है। तो 133वां जो क्वेश्चन है इसका भी दूसरा विकल्प सही है कि चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। कौन सा मेला भरता है, जौहर मेला भरता है। फिर है 134वां क्वेश्चन कि दादा दादी, नाना नानी दोनों के नाम से चलने वाला परिवार कहलाता है, कि दादा दादी और नाना नानी के नाम से जो चलने वाला परिवार वो क्या कहलाता है, मातृमार्गी, मातुल का परिवार, द्विनामी वंशीय परिवार, उभयवंशीय परिवार, कौन सा परिवार कहते हैं जो दादा दादी और नाना नानी के नाम से चलता है। जैसे माननीय राहुल गांधी जी का है, वो एक इस तरह का परिवार है जो दादा दादी और नाना नानी दोनों के नाम से वो चलता है। ठीक है ना, तो 134वां जो क्वेश्चन है उसका तीसरा विकल्प सही है कि वो द्विनामी वंशीय परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है, द्विनामी वंशीय परिवार, और ये विशेष सम्मानजनक परिवारों को मिलता है ये औहदा। ठीक है ना, तो ये द्विनामी वंशीय परिवार, क्योंकि वो बड़ी हस्तियाँ होती हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उसको हम द्विनामी वंशीय क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। इसके बाद है उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कि क्या प्रभाव पड़ता है उद्दीपक दवाओं के सेवन से। तो 135वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प सही है कि सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है, कि स्फूर्ति आती है और अतिरिक्त ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है। तो 135वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद आपके 136वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है, ऐसा कौन सा कारक है जो बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है, ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा, सर्वसुलभीकरण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, बहुत शानदार प्रश्न है, इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन निर्णायक सिद्ध हो सकता है, कि ऐसा कौन सा कारक है जो हो सकता है, तो वह प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण, मतलब शिक्षा आप जब दोगे, जब आसानी से शिक्षा विद्यार्थी को मिलेगी, तो ये ध्यान में रखना कि बाल श्रम जो उन्मूलन है उसमें ये क्या होगा, निर्णायक सिद्ध होगा।
ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन है 137वां कि मेघालय में महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कौन सा है, जो महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधा जाता है। डकमांडा, डुमडुम, रिगनाई, कांजरी, कि भाई ऐसा कौन सा वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधा जाता है, कहाँ पर, मेघालय में बांधा जाता है। तो 137वें क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है कि डकमांडा। क्या है? डकमांडा है। फिर है आपकी 138वां कि आवास के संदर्भ में यह कथन किसका है कि शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं, ये कथन किसका है? उमा बर्नार्ड का, आरएस देशपांडे का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 138वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि ये जो कथन है ये आपके आरएस देशपांडे का है। किसका है? आरएस देशपांडे का ये कथन है कि आवास की ये परिभाषा होते हैं, वो शरण स्थल होता है, दीवारें होती हैं, फर्श होता है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, छत होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन है 139वां कि अमेरिका में अपाचे जनजाति के लोगों के द्वारा बनाए गए आवास क्या कहलाते हैं, कि अपाचे जो जनजाति जो आवास बनाती है उनको क्या कहते हैं? चिकीस, अर्स, विकियक्स और मुनसा, कि उनके घरों को हम क्या कहते हैं। तो 139 में तीन आएगा कि उनको हम विकियक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विकियक्स कहते हैं। फिर आपके एक्यूप्रेशर पद्धति का उद्भव किस देश से माना जाता है, कि एक्यूप्रेशर पद्धति का उद्भव किस देश से माना जाता है, तो ये चीन से माना जाता है, इसका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। फिर आपके भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो 141वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को हमेशा ध्यान में रखना कि विश्व डाक दिवस मनाते हैं, और 10 अक्टूबर को जो है भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, कि विश्व डाक दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है आपके 142वां कि फड़किया रोग का संबंध किस पशु से है। तो फड़किया जो रोग है ना, या फड़किया जो रोग है, इसका संबंध भेड़ से है। किससे है? भेड़ से। तो 142वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके क्या है? सही है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है, कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, और केवल भूमि सुधार के लिए। तो 143वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है कि दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराता है। हमेशा ध्यान में रखना, भूमि विकास बैंक जब भी आपके ऋण उपलब्ध कराता है तो वो दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराता है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी कब दी गई, ठीक है, कि 15 अप्रैल 1987, 24 दिसंबर 1986, 31 अक्टूबर 2019 और 15 मार्च 1903। तो 144वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जल सिंह, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह कौन थे? ज्ञानी जल सिंह। उन्होंने इससे जो अनुमति है या सहमति है ये आपकी कब प्रदान की गई? 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही होगा। फिर आपके क्वेश्चन है कि महिला उद्यम निधि योजना, फ्लैक्सी ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो आपके राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित की जा रही है, आरएफसी के द्वारा संचालित है। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा, कि महिला उद्यम निधि योजना, फ्लैक्सी ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा क्या है? संचालित है। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कौन सा क्वेश्चन है? 146वां क्वेश्चन कि भारत में अब तक कितनी लोकसभा अध्यक्ष महिलाएं हुई हैं, कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अब तक लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, बहुत शानदार आपके क्वेश्चन है। तो अब तक जो है लोकसभा अध्यक्ष 2 महिलाएं रही हैं, ठीक है, एक बार मीरा कुमार रही हैं और दूसरी बार आपके सुमित्रा महाजन रही हैं। तो ये 2 लोकसभा अध्यक्ष रही हैं भारत में अब तक, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन, भारत में निर्वाचक नामावली तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की, स्थानीय प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की और रिटर्निंग अधिकारी की। तो 147वां क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, ये जिम्मेदारी किसकी रही है? निर्वाचन आयोग की रही है। इसके बाद है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु और 18 वर्ष की आयु। तो इसका है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु क्या कर लिया? पूरा कर लिया, तो वह क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है,
ठीक है। इसके बाद में आपके 149वां जो क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है कि फलों व सब्जियों को सुरक्षित रखने हेतु किया गया प्रयास है, शीत भंडार, एथिलीन का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग या सभी। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही है कि फलों व सब्जियों के लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज को आप कहते हैं आपके शीत भंडार कहते हैं। ठीक है, वहीं आपके 150वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन है एक, कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, जैविक विषय है, एकल विषय है, समन्वित विषय है, सभी है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है एक आपके समन्वित विषय है, कैसा विषय है, समन्वित विषय है, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसी तरह से हम पेपर सॉल्यूशन लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न आपके पैनल ने बनाए हैं, उनमें पहला जो आपके प्रश्न है ईवीएस के अंतर्गत, वह डेंगू को हिमोर्जिक बुखार भी कहते हैं, यह एक है कि डेंगू को हिमोर्जिक बुखार कहते हैं, ये क्या है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है कि ये एक विषाणु जनित रोग है, इसका पहला विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। 121 क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 122, ठीक है, और 122वां जो प्रश्न है वह है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। बहुत साधारण सा प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। फिर इसके बाद मैंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष में 7 रोगों के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, निम्न में से कौन सी बीमारी का टीका मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। भैया ऐसा कौन सा टीका जो मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, डिप्थीरिया, खसरा, पीलिया, पोलियो, ठीक है, कि ऐसा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है 123, इसका तीसरा विकल्प सही है कि इसमें पीलिया सम्मिलित नहीं है, डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो इसमें क्या है, सम्मिलित है। फिर है मानव रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य है, कि मानव रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, नाइट्रोजन का परिवहन, रक्त का थक्का, प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करना, निर्माण करना। तो 124वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही है कि ऑक्सीजन का क्या है, परिवहन, ठीक है। इसके बाद आपके 125वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से संबंधित है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय से संबंधित है, रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन। तो ये जो 125वां क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है कि ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से क्या है, संबंधित है। तो चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का सही है। इसके बाद है आपके 126वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। बड़ा शानदार क्वेश्चन कल्चर के जो हमारे सर हैं उनके एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने तैयार किया है कि लहरिया, बंधेज, पटका, चुंदड़ी, ठीक है। तो 126वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि बंधेज, ठीक है, ये राजस्थानी महिलाओं की क्या नहीं है, वेशभूषा नहीं है, लहरिया है, पटका है, चुंदड़ी है, लेकिन बंधेज नहीं है। फिर आपके क्वेश्चन 127वां कि ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है ना, और ऋषभ जयंती जो है इसका दूसरा विकल्प आपके सही है कि चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण नवमी को, तो इसका क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। फिर है झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अगोटा आभूषण कहाँ पहना जाता है, गला, कान, अंगुली, हाथ, कि ये कहाँ पहना जाता है। तो 128वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि ये कान में पहने जाते हैं, चाहे झेला है, चाहे झमेला है, या चाहे पीपल पन्ना है, चाहे अगोटा है, सब के सब ये कान में पहने जाते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन है कि तालाब साई के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे सांझा के लिए शिकार गए बनवाई गई कहाँ है, मतलब तालाब साई जो झील है ना वो सांझा के लिए बनवाई गई थी शिकारगाह के लिए, कि कहाँ पर है। बहुत शानदार प्रश्न है, अजमेर, धौलपुर, जयपुर, बूंदी, तो ये आपके धौलपुर में है। और आपको पता है कि यहाँ पे काले गुलाब की कृषि की जाती है, तालाब साई जो है ना ये काले गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, कि कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 129वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि नेजा है, कि नेजा क्या है, कि रामदेव जी की चतुररंगी पताका, तेरे ताली नृत्य का भाग, रामदेव जी पचरंगी पताका, इनमें से कोई नहीं। तो 130वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प आपके सही है कि रामदेव जी की पचरंगी क्या है, पताका है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था,
विद्याधर था, मंडन था, केशवदास था, लालचंद था, मतलब कितने शानदार प्रश्न है यार। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? तो 131वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि मंडन था। कौन था? मंडन। वहीं राजस्थान का बिंडसर महल किस महल को कहा जाता है? कि ऐसा कौन सा महल है जिसे राजस्थान का बिंडसर कहते हैं? तो जैसे उम्मेद भवन महल, जग मंदिर महल, राज महल, बादल महल। तो 132वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है कि राज महल को कहते हैं, जो महाराणा राज सिंह ने बनवाया था उसको विंडसर महल कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आपके हैं जौहर मेला कब भरता है? भैया जौहर मेला कब भरता है? कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है, कि चैत्र कृष्ण नवमी को भरता है? तो 133वां जो क्वेश्चन है इसका भी दूसरा विकल्प सही है कि चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। कौन सा मेला भरता है? जौहर मेला भरता है। फिर है 134वां क्वेश्चन कि दादा दादी नाना नानी दोनों के नाम से चलने वाला परिवार कहलाता है। कि दादा दादी और नाना नानी के नाम से जो चलने वाला परिवार वो क्या कहलाता है? मातृमार्गी, मातुल का परिवार, दीनामी वंशीय परिवार, उभय वंशीय परिवार। कौन सा परिवार कहते हैं जो दादा दादी और नाना नानी के नाम से चलता है? जैसे माननीय राहुल गांधी जी का है, वो एक इस तरह का परिवार है जो दादा दादी और नाना नानी दोनों के नाम से वो चलता है। ठीक है ना। तो 134वां जो क्वेश्चन है उसका तीसरा विकल्प सही है कि वो दीनामी वंशीय परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है? दीनामी वंशीय परिवार। और ये विशेष सम्मानजनक परिवारों को मिलता है ये अहदा। ठीक है ना। तो ये दीनामी वंशीय परिवार क्योंकि वो बड़ी हस्तियाँ होती हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उसको हम दीनामी वंशीय क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। इसके बाद है उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कि क्या प्रभाव पड़ता है उद्दीपक दवाओं के सेवन से? तो 135वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प सही है कि सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। कि स्फूर्ति आती है और अतिरिक्त ऊर्जा का क्या होता है? संचार होता है। तो 135वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद आपके 136वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऐसा कौन सा कारक है जो बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा, सर्व सुलभीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न है, इसको बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन निर्णायक सिद्ध हो सकता है? कि ऐसा कौन सा कारक है जो हो सकता है? तो वह प्राथमिक शिक्षा सर्व सुलभीकरण, मतलब शिक्षा आप जब दोगे, जब आसानी से शिक्षा विद्यार्थी को मिलेगी, तो ये ध्यान में रखना कि बाल श्रम जो उन्मूलन है उसमें ये क्या होगा? निर्णायक सिद्ध होगा। ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन है 137वां कि मेघालय में महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कौन सा है? जो महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधा जाता है, डकमांडा, डुमडुम, रिगनाई, कांजरी, कि भाई ऐसा कौन सा वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधा जाता है? कहाँ पर? मेघालय में बांधा जाता है। तो 137वें क्वेश्चन का पहला विकल्प सही है कि डकमांडा। क्या है? डकमांडा है। फिर है आपकी 138वां कि आवास के संदर्भ में यह कथन किसका है? कि शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि होते हैं, ये कथन किसका है? उमा बर्नार्ड का, आरएस देशपांडे का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 138वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि ये जो कथन है ये आपके आरएस देशपांडे का है। किसका है? आरएस देशपांडे का ये कथन है कि आवास की ये परिभाषा होते हैं, वो शरण स्थल होता है, दीवारें होती हैं, फर्श होता है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, छत होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन है 139वां कि अमेरिका में अपाचे जनजाति के लोगों के द्वारा बनाए गए आवास क्या कहलाते हैं? कि अपाचे जो जनजाति जो आवास बनाती है उनको क्या कहते हैं? चिकीस, अर्स, विकियक्स और मुनसा, कि उनके घरों को हम क्या कहते हैं? तो 139 में तीन आएगा कि उनको हम विकियक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विकियक्स कहते हैं। फिर आपके एक्यूप्रेशर पद्धति का उद्भव किस देश से माना जाता है? कि एक्यूप्रेशर पद्धति का उद्भव किस देश से माना जाता है? तो ये चीन से माना जाता है। इसका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है। फिर आपके भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ लिया जाए तो 141वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को हमेशा ध्यान में रखना कि विश्व डाक दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को जो है भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। विश्व डाक दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह आपके 142वां
कि फड़किया रोग का संबंध किस पशु से है। तो फड़किया जो रोग है ना, या फड़किया जो रोग है, इसका संबंध भेड़ से है। किससे है? भेड़ से। तो 142वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके क्या है? सही है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है, कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए और केवल भूमि सुधार के लिए। तो 143वां जो क्वेश्चन है, इसका तीसरा विकल्प सही है कि दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराता है। हमेशा ध्यान में रखना, भूमि विकास बैंक जब भी आपके ऋण उपलब्ध कराता है तो वो दीर्घ अवधि के लिए उपलब्ध कराता है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी कब दी गई, ठीक है, कि 15 अप्रैल 1987, 24 दिसंबर 1986, 31 अक्टूबर 2019 और 15 मार्च 1903। तो 144वां जो क्वेश्चन है, इसका दूसरा विकल्प सही है कि 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जल सिंह, तत्कालीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह, कौन थे? ज्ञानी जल सिंह। उन्होंने इससे जो अनुमति है या सहमति है, ये आपकी कब प्रदान की गई? 24 दिसंबर 1986 को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही होगा। फिर आपके क्वेश्चन है कि महिला उद्यम निधि योजना, फ्लैक्सी ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये ऐसी योजना है जो आपके राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित की जा रही है, RFC के द्वारा संचालित है। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा कि महिला उद्यम निधि योजना, फ्लैक्सी ऋण योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा क्या है? संचालित है। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह आपके कौन सा क्वेश्चन है? 146वां क्वेश्चन कि भारत में अब तक कितनी लोकसभा अध्यक्ष महिलाएं हुई, कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अब तक लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, बहुत शानदार आपके क्वेश्चन है। तो अब तक जो है लोकसभा अध्यक्ष 2 महिलाएं रही हैं, ठीक है, एक बार मीरा कुमार रही हैं और दूसरी बार आपकी सुमित्रा महाजन रही हैं। तो ये 2 लोकसभा अध्यक्ष रही हैं भारत में अब तक, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन, भारत में निर्वाचक नामावली तैयार कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की, स्थानीय प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की और रिटर्निंग अधिकारी की। तो 147वां क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है, ये जिम्मेदारी किसकी रही है? निर्वाचन आयोग की रही है। इसके बाद है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु और 18 वर्ष की आयु। तो इसका है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु क्या कर लिया? पूरा कर लिया, तो वह क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आपके 149वां जो क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है कि फलों व सब्जियों को सुरक्षित रखने हेतु किया गया प्रयास है, शीत भंडार, एथिलीन का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग या सभी, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प सही है कि फलों व सब्जियों के लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं? कोल्ड स्टोरेज, और कोल्ड स्टोरेज को आप कहते हैं, आपके शीत भंडार कहते हैं, ठीक है। वहीं आपके 150वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन है एक, कि पर्यावरण अध्ययन क्या है? जैविक विषय है, एकल विषय है, समन्वित विषय है, सभी है? तो पर्यावरण अध्ययन जो है एक आपके समन्वित विषय है। कैसा विषय है? समन्वित विषय है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इसी तरह से हम पेपर सॉल्यूशन लेकर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स।